हमेशा याद रखना कि हार्ट से जनरल केसेस में जो ब्लड को लेके जा रहा है वो आर्टरीज होती हैं और जब आपका आई थिंक सेकेंड या ईयर थर्ड ईयर में आपकी एनाटॉमी की स्टडी होती है सो यू विल बी हैविंग कॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू सो इस वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन की तो बहुत जरूरत है तो हमारे पास है ना पेल कार्डियम एटम्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स मेनी मॉलिक्यूल्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल ये विलाई का फंक्शन क्या है अगर एक नॉर्मल सेल है ये ठीक है और इसका मॉडिफिकेशन हुआ है विलाई में सो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया हेलो बच्चो वेलकम और वेलकम बैक टू द क्लास मैं हूं स्वागत मुखर्जी एंड आई एम योर जूलॉजी मेंटर यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लासेस मैंने आपको पहले बताया था कि हम एनसीईआरटी एक एक लाइन को डी करने वाले हैं पूरे बायोलॉजी दैट मीन्स योर जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों का ठीक है तो वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देती हूँ जो बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं बहुत बढ़िया जो नहीं जानते बेटा मेरा नाम है स्वागता और मैं पिछले नौ सालों से पढ़ा रही हूँ मैंने कई हजारों बच्चों को हेल्प किया है नीट क्रैक करने में और मैं आशा रखती हूँ कि मैं आपकी भी मदद कर पाऊंगी राइट तो बच्चों ये जो एनसीआर लाइन बाई लाइन ये क्या है आप सबको पता है कि एनसीईआरटी इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन योर नीट एग्जामिनेशन राइट आपका 80 परसेंट अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी तरीक तरीके से पढ़ लिया तो 80 परसेंट तो आपका नीट प्रिपरेशन हो गया रेस्ट ट्वेंटी परसेंट का क्या काम है रेस्ट ट्वेंटी परसेंट कैसे आएगा रेस्ट ट्वेंटी परसेंट आपका खुद का डेडिकेशन है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल है आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो अपने पढ़ाई स्टडी आवर्स में प्लस जब आप एमसीक्यू सोल्व करो आप्यू और कितना सही कर सकते हो, राइट तो ये डेडिकेशन हार्डवर्क और टाइम मैनेजमेंट रेस्ट ऑफ द ट्वेंटी परसेंट आपके नीट की तैयारी के लिए है तो एट्टी परसेंट तो यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट में भी हम ही आपको मदद करने वाले हैं राइट तो बच्चों ये जो क्लास है आपको पता है हफ्ते में चार दिन आने वाला है और हर एक दिन एक एक लेक्चर आने वाला है राइट right? सो so ये आप सबको पता है कि पर डे आपका वन लेक्चर पर डे आने वाला है ठीक है हर एक सब्जेक्ट का एंड चार दिन होने वाला ये क्लास ओके okay? तो मैं आपको जूलॉजी पोर्शन पूरा एनसीईआरटी का करा दूंगी बोथ सिलेबस इसमें हम बच्चों सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और ट्वेल्थ का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा योर जूलॉजी ठीक है तो पहला जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इज टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आप सबको पता है कि एक मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड राइट ओमिट कर दिया गया है एक बहुत बड़े पार्ट को क्योंकि वो एज फॉर नीट आई थिंक उनको लगता है कि फ्रॉग एंड ऑर्गन सिस्टम इज इनफ सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर राइट सो इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल पढ़ ही लेंगे ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम पूरा आपका नीट 2024-2025 का जो एडिट यू नो बुक आया है राइट योर एनसीआर बुक उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं ओके okay? इस क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे प्लस जो मेरे डायग्राम्स आने वाले हैं हैंड ड्रॉन डायग्राम्स यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आपको वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा तो आपको खुद से नोट्स लिखने की या डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपका टाइम सेव हो गया राइट right? लेकिन हाँ मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूँगी कि जब आप ये क्लास अभी देख रहे हो तो छोटा छोटा आप लिख लो एक आपके आप जो भी जुलॉजी के लिए जो भी नोटबुक फॉलो करते हो उस नोटबुक में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते रहो लिखने से ना बेटा हमारा ये जो कॉग्नेटिव फंक्शन ना ह्यूमन बीइंग का ब्रेन और हैंड का जो कनेक्शन है ये बहुत बेहतरीन कनेक्शन है सो व्हेन यू राइट योर कॉग्नेटिव ब्रेन कैप्चर्स एवरीथिंग वेरी क्विकली और वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में शिफ्ट कर देता है आपका लॉन्ग मेमोरी शॉर्ट मेमोरी होता है ना तो लॉन्ग मेमोरी में ना वो शिफ्ट कर देता है जब आप चीजों को लिखते हो एक आइडेंटिक इमेज क्रिएट होता है तो जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे ना तो एग्जैक्टली exactly जो चीज़ आपने अपने नोटबुक में लिखी है ना वो एक पिक्चर की तरह आपके दिमाग के गैलरी में सेव हो जाता है वही वापस आता है जब आप लिखते हो याद करते वक्त तो मैं ये सजेस्ट करूंगी छोटे छोटे नोट्स जो मैं लिख रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी लिखो तो शुरू करें हम आज टॉपिक में क्या पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ही छोटा सा है लेकिन हाँ इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में वो मैं करा दूंगी आपको ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम हम पढ़ेंगे अगेन अ वेरी शॉर्ट टॉपिक छोटा सा पैराग्राफ है आराम से पढ़ा दूंगी एंड द मेजर टॉपिक हियर इज फ्रॉग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट राना टिग्रीना राना टिग्रीना इज द कॉमन इंडियन फ्रॉग जिसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओके okay? राइट right. ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम कुछ एम भी पढ़ने वाले हैं राइट आई एम गोइंग टू गिव यू सम एम सी क्यूज आम गोईन सॉल्व दीज एमसी क्यूज लाइव हियर इन द क्लास राइट ताकि जो भी आपने पढ़ा है आपका पूरा सारा अंश या जो समरी है वो आपका इमीडिएटली प्रैक्टिस हो जाए राइट सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक टुडे द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट यू कैन सी हियर इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल मतलब क्या है इस चैप्टर का स्ट्रक्चरल मतलब एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस तरह से हर एक ऑर्गन्स हर एक ऑर्गेन सिस्टम हर एक टिश्यू हर एक सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे वो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती है हम जो ब्रीद कर रहे हैं दो वे आई एम टॉकिंग आई एम ब्रीदिंग आई एम डाइजेस्टिंग माय फूड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू माई बॉडी है ना मैं डाइजेशन कर रही हूँ ताकि मेरे बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिले ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है किस तरह से कर रहा है किस सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन से या किस टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से ये हो रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले सो लेट हियर एज यू कैन सी दैट इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में आप एक लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हो योर जूलॉजी स्टूडेंट राइट आप जब एम में करोगे आप जब डॉक्टर बनने की तैयारी करोगे एम बी बी एस जब आप करोगे उस टाइम पे आपको पढ़ना क्या है मेजोरिटी तो आपका फिजियोलॉजी है मेजोरिटी ऑफ योर एम सिलेबस इज फिजियोलॉजी तो आपको फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे उस टाइम पे यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो उन सारे ऑर्गेनिज्म के कॉमन फीचर्स है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं राइट right? तो शुरुआत हमने अभी से कर दी आपकी एम बी बी एस तैयारी की ऑलरेडी ठीक है ओके सो देखो हम यूनि एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं आपने पहले ही यूनिसेल्यूर मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिज्म बॉटनी में भी आपने पढ़ा होगा राइट एंड मेनली मेजरली जो जूलॉजी में हम वी डील विथ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना यूनिसेल्युलर में आपका क्या आ जाता organism, about, suppose, protista, है इफ यू टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यू मेनली लर्न अबाउट सपोज प्रोटेस्टर है ना सो सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट यू मेनली लर्न अबाउट प्रोटिस्टा है ना जितने भी प्रो प्रोटोजोआ अमीबा प्लाज्मोडियम ये आपकी यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म में एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है वही सेल उनके बॉडी की सारी फंक्शन कर रही है डाइजेशन भी वही कर रही है रेस्पिरेशन भी वही कर रही है एक्सक्रीशन भी वही कर रही है रिप्रोडक्शन में एक ही सेल सब कुछ कर रहा है नॉट ओनली प्रोटिस्टा यू ऑल्सो लर्न अबाउट बैक्टेरियल किंगडम दैट इज मोनेरा है ना आप मोनेरा के बारे में भी पढ़ते हो वो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट तो सारा काम खुद अकेला एक सेल कर रहा है but zoology me we deal with multicellular organism right so multicellular organism there is fungi also is multicellular plant kingdom me plants are also multicellular but we are talking about structural organization in animals so we are mainly going to deal with animalia right animals so they are multicellular मल्टी सेलुलर में क्या है कई सारे सेल्स इकट्ठे होके कुछ काम कर रहे सिर्फ सेल्स अकेले काम कर रहे नहीं और भी इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इवॉल्व होगी कैसे होगी हम वही इधर पढ़ने वाले ओके राइट सो इट मेन्सली डील्स विद द यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम राइट सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म

लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ जिस तरह से यूनिसेलर से मल्टी ऑर्गेनिज्म आए मल्टी ऑर्गेनिज्म में और डेवलपमेंट हुआ तब जाके हम बने वी आर द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म ऑन planet planet अर्थ है ना तो राइट right, वन में क्या होता है सी इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑब्वियसली जितने ज्यादा सेल्स हुए कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ गई है ना आप जस्ट यू कांट इवन सी एन एमीबा विथ योर नेकेड आईज आप खाली आंखों से आप एमीबा को नहीं देख सकते हो सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे समझ में आ जाएगा लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ा जैसे जैसे मल्टी सुलर हम हुए यू कैन सी लुक द डिफरेंस बिटवीन योर साइज एंड एन एमीबा साइज साइज भी बढ़ा इन अंदर की फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी राइट right? सो so,

ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ ऑर्गेनाइज मैनर इसका मतलब क्या इसको समझने के लिए वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड हियर एंड कैन सी दैट सेल सेल क्या करते कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते ये तो हमें बेसिक पता है लेकिन थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है सी सेल्स विल फॉर्म टिश्यू एंड वी नो दैट बट कोई रैंडम सेल्स नहीं

है ना छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आप सपोज आप एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाने के काम आप स्टार्ट करने वाले हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईटे भी चाहिए है ना आप कॉन्क्रीट से ईटे आज तो कॉन्क्रीट से बनने लगी चलो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं पुराने जमाने की बात करते हैं तो ब्रिक्स चाहिए ताकि आप दीवार विवार बना सको अच्छे से आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए बिल्डिंग की है ना और भी कई सारे आपको छोटे 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 काम करने ही है बहुत बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हो है ना अब आप अकेले तो सब कर नहीं सकते हो अब आपके पास सपोज पचास लेबर आ गए जो आपको हेल्प करेंगे उस बिल्डिंग को बनाने में तो आपने सबको थोड़ी ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि जाओ आप सब लोग जाके ब्रिक लाओ ये लाओ इलेक्ट्रिक वायर्स लेके आओ रॉड्स लेके आओ जो लगता है बिल्डिंग्स में आप सीमेंट लेके आओ आप कलर लेके आओ, ले आओ नहीं ना यू गोइंग टू डिवाइड ताकि सबको समझ में नहीं पचास लोगों क्या पता कि मुझे क्या लाना है मैडम तो बोल के चली गई है ले आओ सर तो बोल के चले गई ये लेकिन आप डिवाइड कर दोगे ताकि काम आसानी से और सही वेल well मैनर में हो राइट right? तो आप क्या करने वाले हो यहां पे यू आर गोइंग टू आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन कि ये जो पचास में से जो दस लोग हैं आप जाके सिर्फ ब्रिक्स लाओ और ब्रिक्स का काम करो लगाने का आप जो बाकी के दस हो आप जाओ और आप सीमेंट लेके आओ सीमेंट की मिक्सिंग करो है ना बाकी आप जाओ आप इलेक्ट्रिक वायर्स रॉ जो भी आपके इलेक्ट्रिक्स के कामों में जो भी चीज है स्विच बोर्ड लगता है वो लेके आओ तो आपने क्या किया डिवाइड कर दिया ठीक है इस तरह से अपने सेल्स को डिवाइड कर दिया अब देखो ये जो दस लोग सिर्फ ब्रिक का, का काम कर रहे थे ये सेम काम कर रहे ऐसे ही सेम तरह के सेल्स जो एक ही काम कर रहे थे तो बहुत सारे सेल्स मिलकर डाइजेशन कर रहे थे अब इन सारे सेल्स ने बोला भाई काम तो हम सेम ही कर रहे हैं क्यों ना इकट्ठे होकर काम करें जल्दी हो जाएगा है ना ये यूनिटी में यू नो विविधता में एकता है वही तो सब मिलके एक साथ आ गए एंड दे स्टार्टेड डूइंग द सेम वर्क ऑन सेम तरह के सेल्स सो द सेल्स विच आर परफॉर्मिंग मैं यहां पे छोटा सा लिख देती हूं सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन सेम फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन सेम ओरिजिन राइटी मतलब क्या वो एक्टोडामल से क्या वो मीजोडामल है क्या वो एंडोडामल है सो दे हैव टू हैव द सेम ओरिजिन या तो एकटो ecto एक्टोडाम के ही होने चाहिए ऐसा नहीं कुछ एक्टो कुछ एंडोमिल के टिश्यू नो नॉट लाइक दैट ओके तो इस तरह से इन्होंने टिश्यू बना लिया ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो लेट्स टॉक अबाउट मस्क्यूलर टिश्यू है ना आप मसल की बात करो जो हम मेरा ये स्केलेटल मसल है मेरा बाइसेप मसल तो हो गया ना सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन मसल का काम क्या है मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो सके समझ में आ गया तो उस तरह से टिश्यूज बने अब सपोज एक टिश बहुत सारे टिश्यूज ने देखा कि यार हम सब सेम ही सेल के बने हैं सेम फंक्शन कर रहे हैं राइट तो और कुछ ऐसे बहुत सारे क्लस्टर ऑफ टिश्यू सपोज आपकी मस्क्यूलर टिश्यू हार्ट भी तो हार्ट का एग्जांपल ले लो हार्ट भी तो एक मसल है राइट लेकिन हार्ट में आप देखोगे कुछ न्यूरल टिश्यू भी है न्यूरॉन्स भी है उसमें न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है राइट right? कुछ कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्ट को कवर कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट इज आल्सो कवर्ड बाय सर्टेन कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ना तो वो कुछ टिश्यूज आ गए आपके है ना कुछ आपके एपिथीलियल टिश्यू है दैट इज ऑल्सो कवरिंग योर हार्ट एट्सेट्रा सो ऑल दीज टिश्यूज दे कम टूगेदर इन द फॉर्म एन ऑर्गेन वो क्या करता है वो ऑर्गेन बनाता है कई सारे टिश्यूज आके दिल में का ऑर्गन ताकि वो कलेक्टिवली और एफिशिएंटली फंक्शन कर सके अकेला सिर्फ इफ इफ इमेजिन अगर आपके हार्ट में सिर्फ मस्क्यूलर मसल ही होता कार्डियक मसल ही होता या कार्डियक टिश्यू ही होता तो वो काम नहीं कर पाता इट नीड्स न्यूरल टिश्यू हार्ट जो आपका यू नो इंक्रीज होता है हार्ट बीट डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड दे आर समटाइम्स मेंटेन्ड बाय योर न्यूरोन्स है ना कनेक्टिव टिश्यू वो हेल्प वो प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट के कवरी कवर cover को पूरा अच्छे से कवर करता है हार्ट को प्लस कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वेयर एंड टेयर एक्सेट्रा एपीथीलियल टिश्यू भी कवर करके प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये सारे टिश्यूज ने साथ में मिलकर एक ऑर्गेन को हेल्प और एफिशियंट बनाने में हेल्प किया है राइट right? सो so, वो ऑर्गेन बन गए अब हार्ट का, का काम क्या है ब्लड को पंप करना अब ब्लड तो हार्ट ने पंप आउट कर दिया अब गया कहा वो ब्लड वो थोड़ी ना बाहर गिर गया नो ब्लड वेसल ने उस पर्टिकुलर ब्लड को लेकर हार्ट से लेते हुए आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे आपकी पूरी बॉडी चल पा रही है मूव कर पा रही है सारी फंक्शन कर पा रही है राइट right? तो हार्ट के साथ देखो एक और ऑर्गन आ गया ब्लड वेसल आ गया है ना तो देखो दो दो ऑर्गन और कई सारे ऑर्गन एक साथ इकट्ठे आ गए देन वी कॉल इट एज एन ऑर्गेन सिस्टम डू यू अंडरस्टैंड है ना समझ में आ रहा है बच्चों नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं होता है स्किप हो जाता है आप पूछो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको दूसरे तरीके से समझना है आप बोलो मैं चार पांच तरीके के एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगी बट समझ समझाऊंगी तो मैं आपको जरूर वो मेरी जिम्मेदारी है ठीक है चलो तो ये आपके ऑर्गेन ये आपका पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है सिस्टम का एक और एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड ऑल दीज तो मैंने आपको बताया लिव भी पार्ट है आपके सर्कुलटरी सिस्टम का लेट्स थिंक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम खाना सबको पसंद है हमको वी आर ऑल फूडीज है ना जिंदा रहना है तो खाना खाना है तो यस yes, कि मैं तो फूडी हूँ एवरीबडी इज फूडी एवरीबडी लवस फूड ठीक है तो देखो खाना खा खा रहे हो तो उसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन्स का मारे आपकी माउथ है ईसोफेगस है टीथ है टांग है ये भी हेल्प कर रहा है स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरी डाइजेशन में हेल्प कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन है योर एनर्स एवरी थिंग रिमूविंग द फीकल मैटर तो इतने सारे ऑर्गन्स आ गए इतने ही काफी नहीं थे कुछ ग्लैंड भी आ गए जिनको एंजाइम रिलीज करना है हॉर्मोन रिलीज करना है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी लिवर आ गया सलाइवरी ग्लैंड आ गई पैनक्रियास आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये सारी चीजें आप पढ़ोगे आगे है ना तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेन सिस्टम बना रहे अगेन तो कई सारे ऑर्गन्स which are performing similar physiological function so here what do you see in case of organ system is that multiple organs associates associates as as they are performing same फिजियोलॉजिकल फंक्शन ओके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे डाइजेशन जैसे सर्क्यूलेशन एक्सेट्रा ठीक है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ओके देखो बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ रहे हैं यहां छोटा है लेकिन जरूरी है है ना मेजोरिटी पार्ट जो आपका ओमिट हो गया वो इससे अगर क्वेश्चन एक आ भी जाता है ना आप आसानी से कर सकते हो ठीक है तो यही आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ था वेल ऑर्गेनाइज मैनर में वो सारे सेल्स आते हैं देन वो टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं एंड आपको हेल्प करते हैं ओके फाइन सो द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा सी हाइड्रा इट्स ऑल्सो इट बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम ये भी एनिमल किंगडम में ही आता है हाइड्रा क्या है हाइड्रा मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ है ना हाइड्रा इज अडरिया ये एक निडारिया है इट बिलोंग्स टू फाइलम निडरिया कंसिलेटा भी बोल सकते हैं ओके सो दिस बिलोंग्स दे आर जस्ट मेड अप ऑफ टिश्यूज इनमें ऑर्गन्स नहीं होता है सो दे यूजली शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इनमें कई सारे सेल्स जो सेम फंक्शन कर रहा था सेम ओरिजिन से थे वो क्लस्टर होके टिश्यूज बनाते यही टिश्यूज मिलके हाइड्रा की बॉडी को बनाती है सो so, इनका डेवलपमेंट टिश्यू तक ही रुक गया ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है क्योंकि के बाद भी तो बहुत सारे और एनिमल किंगडम में फैला है सो फर्स्ट देन निडारिया देन टीनोफोरा देन प्लेटिथिस एंड सो ऑन राइट एनेलिडा मोलास्का इकाइनोडामेटा हम कॉर्डेटा Correct? hemicordata then cordata fine so simple organism like hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands राइट ईच टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे है राइट right? एक ग्रुप ऑफ सेल दूसरा ग्रुप ऑफ सेल ऐसे करते करते थाउजेंड सेल्स के ग्रुप्स है इन सब ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ बोल रहे हैं और ये सारे टिश्यूज़ ने मिलकर हाइड्रा की बॉडी बना रखी है कुछ टिश्यूज़ डाइजेशन में हेल्प कर रही है कुछ टिश्यूज़ उनके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही कुछ टिश्यूज़ यू you नो know, नीडोसाइट नीडारिया नाम क्यों है नीडोसाइट होता है नीडोसाइट तो स्टिंगिंग सेल्स ये stinging cells, hydra, ये स्टिंगिंग सेल्स हाइड्रा हाइड्रा अगर की बॉडी है लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा ठीक है हाइड्रा की बॉडी पे यू विल फाइंड दर आर प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्टिंगिंग सेल्स ये स्टिंगिंग सेल्स उनको अब खुद को बचाने में दैट मीनस डिफेंस में काम आती है या प्रे को पकड़ने में प्रे इन देंस जिस चीज को वो खाएंगे उस प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करती है ऑफेंस डिफेंस एंड ऑफेंस ऑर्गेनिज्म है आप एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हो तो मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि आप आगे एनिमल किंगडम में जरूर पढ़ोगे या शायद आप पढ़ के आए हो ओके

एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दे वर्क टूगेदर बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन दे आर शोइंग द सेम फंक्शन सो दे इंटरेक्ट दे कम इन क्लस्टर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते कम्युनिकेट करते कि भाई हम तो सेम ही काम कर रहे हैं सब चलो साथ में करते और एफिशियंट हो जाएगा बॉडी फंक्शन राइट सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन यू अर्लियर क्लासेस दैट मीन्स टू से एनिमल किंगडम ठीक है इन मल्टी मल्टीसुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर की जो सब्सटेंसेस है इंटरसेलर सब्सटैंसेज इंटर है ना बिटवीन टू सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू और सिंपल वे में मैंने यहां पे आपको बता ही दिया है ठीक है फाइन आगे बढ़ते हैं लेट्स गो लेट मूव फॉरवर्ड यहां पे मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको जिसमें आपको समझ में आ जाए कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे ठीक है सो यू कैन सी हियर एटम ओके दिस इज एटम ये लिखा है ब्लैक से बट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ एटम्स एटम्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स मेनी मॉलिक्यूल्स विल जॉइन टुगेदर टू फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल थोड़े छोटे-छोटे कुछ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल है तो माइक्रो अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया 800 हंड्रेड डाल्टन से तो मैक्रो मॉलिक्यूल आप मॉलिक्यूल्स में ये पढ़ने वाले हो ठीक है ये आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए ये बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हो गया जैसे कि अमाइनो एसिड्स इज अ माइक्रो मोलिक्यूल बाई वे प्रोटीन्स हो गया लिपिड हो गया न्यूक्लिक एसिड हो गया न अबाउट दीज इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर आगे पढ़ोगे ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल एक साथ आगे ये सपोज आपका ये एक मैक्रोमोलिक्यूल था लेट्स इमेजिन दिस वॉज अनदर मैक्रोमोलिक्यूल राइट लेट्स इमेजिन अनदर मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे कई सारे मोलिक्यूल कम टूगेदर एंड फॉर्म द साइटो प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा सेल ओके सपोज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे दस ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दीज माइक्रो मोलिक्यूल राइट सो दे मैक्रो मोलिक्यूल एंड मैक्रो मोलिक्यूल विल फॉर्म एन ऑर्गनल ये ऑर्गेनल लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनल right or many organelles mitochondria then uh, nucleus Golgi bodies all these organelles will join together to form cell right many such cell will join together who are performing the same function and have the same origin will form tissue yeah, pe aapko tissue Tissues or associate with each other to form an organ

इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है न्यूरल सिस्टम है एवरीथिंग। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कैन सी सो आई होप जो भी आपने अभी थियोरी में समझा इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप और इजीली इसको यू नो आई पिक्चराइज कर सकते हो ताकि आपको ध्यान से ये फ्लो चार्ट और ये जो सिक्वेंस है ये समझ में आए right so this is about your organ system here the level of organization now you may be surprised to know that all complex animals consist of only four types of basic, basic types of tissues सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेन सिस्टम मैंने जैसे आपको बोला कि हार्ट में आपको कई तरह के टिश्यूज़ मिलेंगे बहुत सारे टिश्यूज साथ में आ गए उन्होंने ऑर्गेन बनाया हार्ट तो कौन है ये सारे टिश्यूज़ मैंने आई थिंक कुछ टिश्यूज के नाम भी लिए पीथीलियम मैंने बोला एपीथीलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू न्यूरल टिश्यू तो यही चार तरह के बेसिक आपके टिश्यूज होते हैं देर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ animal tissue, we are talking about animals, right? So, I will write you. So, when you talk about animal tissues, animal tissues, they are of four basic types. So, let us see what those types are. So, we have four basic types of tissues here.

बिग इनफ यू कैन सी इट राइट बताना मुझे अगर छोटा बड़ा फोन साइज करना है तो आप प्लीज मुझे जस्ट लेट मी नो ओके कनेक्टिव टिश्यू द थर्ड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू सो वी हैव मस्क्यूलर टिश्यू द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू एंड वी हैव द न्यूरल टिश्यू द लास्ट वन दीज आर द ओनली फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारे बॉडी में इन एनिमल बॉडी दीज नोट टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउउंड एंड यही चार मिलकर आपके पूरे बॉडी फंक्शन में हेल्प कर रही है आपको सरवाइव करने में हेल्प कर रही है ओके फाइनली सो एपी थील टिश्यू आपको कहाँ कहाँ दिख जाएगा आपका स्किन आपकी जो स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी राइट पूरे बॉडी को बाहर से कवर कर रही है आपकी स्किन इंटरनल पार्ट में भी स्किन प्रेजेंट है बट दैट्स अ डिफरेंट नॉन स्ट्रैटिफाइड नॉट कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपीथिलियम आई एम सो सॉरी कि आपके अभी एनसीईआरटी का पार्ट है नहीं पहले था इस साल उन्होंने ये पार्ट रिमूव करके सिर्फ ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम है एंड द मेजोरिटी इज द फ्रॉग बट दे मे आस क्वेश्चन एंड हमें रेडी रहना है हमें तैयार रहना है कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमें चूकना नहीं है हमें पूरा फोर आउट ऑफ फोर मार्क्स लेके ही आना है ठीक है चल तो एपीथिलियल टिश्यू फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन एक एग्जाम्पल हो गई दूसरे कलर से लिख देती हूं है ना लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर हियर ओके सो फॉर एग्जाम्पल स्किन

लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया आपकी ट्रैकिया की लाइनिंग बहुत पूरे बॉडी में आपको एपिथिल टिश्यू मिलेगा ओके सो फॉर एग्जाम्पल ही टॉक अबाउट या लाइनिंग ऑफ ट्रैकि ट्रैकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है आपकी जो थ्रोट ट्रैकिया इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब तो मैं आपकी ब्राई एक्सेट्रा दीज आर ऑल कवर्ड बाई नो देर ओके आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू इफ यू टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू हि कहा, कहा प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू इज सो वाइड स्प्रेड पूरे बॉडी में आपको कनेक्टिव टिश्यूज भी मिलेगा एंड मेजोरिटी आपका जो ब्लड है योर ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इट्स अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू इसकी बहुत दे यूज टू बी आप कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू का फॉर नीट पर्पज ये तो एनसीआरटी लाइनर है जब आप नीट पर्पज के लिए पढ़ोगे तो आपको इनकी कै कैटेगराइजेशन भी पढ़नी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथिल टिश्यूज सिंपल कंपाउंड सिंपल में मिसक्वामिज क्यूबॉइडल कॉलमनार्योस्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर बहुत आ गया कनेक्टिव टिश्यूज में भी आपका है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज में भी आप डेंस रेगुलर इेगुलर ये सारे पढ़ने वाले हो वो नीट के लिए है वो नीट पॉइंटर्स में पढ़ेंगे दिस इज एन सी आर टी लाइन इसमें हमारी एन तो पूरा हो जाए जैसे आपकी एन पूरी हो गई ना आपका बेसिक तो थाउजेंड परसेंट क्लियर हो गया अब जब आप आगे नीट पॉइंटर्स या नीट के क्लासेस पढ़ोगे तब आपके लिए बहुत आसान होगा आप इमीडिएटली कैच कर सकते हो एक एक वर्ड जो टीचर बोलेगा आपको नीट के लिए ठीक है हर एक चैप्टर से तभी हम पहले आपको एनसीआर लाइनर करा रहे हैं ताकि बेसिक तो क्लियर हो जाए अगर आपकी बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाएंगे कैसे है ना चलो ओके सो ब्लड योर बोन्स ओके कार्टिलेज कार्टिलेज एडिपोस्टिश्यू दीज आर ऑल कनेक्टिव टिश्यूज ओके एडिपोस्टिश्यू जो फैट टिश्यूज है एडिपोस टिश्यूज आर क्वेश्चनिंग है क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपके सारे वाइटल ऑर्गेन्स में यू कैन फाइंड एडिपोस्टिश्यू अराउंड योर हार्ट अराउंड किडनी राइट बिहाइंड आई बॉल्स ये सारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स के आसपास आपको एडिपोस टिश्यूज दिखेगा इसी एडिपोस टिश्यूज में अगर आप ज्यादा फैट जमा हो गया देन वी बिकेम ओबीस ओबेसिटी उसी की बिकॉज दे स्टोर अ अल्लॉर ऑफ फैट बॉडीज वट एवर यू कंज्यूम इफ अगर वो अमाउंट आपके नॉर्मल डेली इनटेक के कैलरी से ज्यादा हुआ वो यही जाके जमता है मेजॉरिटी ऑफ द ठीक है चल ये है एटसेट्रा और भी बहुत सारे हे एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ देम का बहुत सारे हैं देन वी हैव मस्क्यूलर टिश्यू सो मस्क्यूलर टिश्यू आपको पता है तीन ही तरह के मसल प्रेजेंट है ओके सो वी हैव द स्केलेटल मसल ओके स्केलेटल मसल वी हैव द कार्डियक मसल कार्डियक मसल वी हैव स्मूथ मसल आप यू विल फाइंड स्केलेटल मसल कहाँ पे एसोसिएट टू स्केलेटन स्केलेटन से जितने भी मसल एसोसिएटेड है वो स्केलेटल मसल हो गए आपकी ये बाइसेप मसल ट्राइसेप मसल्स राइट देन द मसल्स एसोसिएटेड विथ योर एब्डोमेन साइड पे एब्डोमेन जो है वो भी स्केलेटल से एसोसिएटेड दीज आर ऑल योर थाई मसल हैमस्ट्रिंग मसल दीज आर ऑल स्केलेटल मसल्स ओके देन वी हैव कार्डियक मसल ओनली फाउंड इन हार्ट सिर्फ हार्ट में ही मिलता है तभी तो नाम कार्डियक मसल है स्मूथ मसल यू विल फाइंड स्मूथ मसल प्रेजेंट इन सर्टेन इंटरनल ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी आपको स्टमक में मिलेगा स्मूथ मसल ओके फाइन देन वी हैव द न्यूरल टिश्यू द लास्ट वन एंड न्यूरल टिश्यू ऑफकोर्स इसमें आपको न्यूरोन्स बहुत सारे न्यूरोन्स एक साथ मिलकर न्यूरोन न्यूरल टिश्यू बनाते हैं देन ग्लियल सेल्स राइट ग्लियल सेल्स भी आपको मिल जाएगी दे सपोर्ट द न्यूरो लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा अबाउट न्यूरो अबाउट ग्लियल सेल्स इन फॉर योर नीट पॉइंट जब हम नीट पढ़ाएंगे आपको वी विल लेट यू नो ठीक है तब आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा वी आर करेंटली डूइंग वॉट एनसीआर टी ओके सो एज आई जस्ट सेड दैट देर आर

मस्क्यूलर टिश्यू मिल गया स्टमक में आपको एपिथिनल टिश्यू मिल गया जो ग्लैंड भी बना रहे स्टमक के लिनर लाइनिंग बना रही है दो टिश्यू मिल गया तो ये सारे टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गन बना दिया ना स्टमक लंग्स में हार्ट में हार्ट में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि योर हार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ वेन यू टॉक अबाउट हार्ट योर हार्ट इज मेड ऑफ हार्ट के अन, में आपको ऑफकोर्स मस्क्यूलर टिश्यू मिलेगा क्योंकि कार्डियक मसल ओके मस्क्यूलर टिश्यू मिलेगा आपको ठीक है आपको यू विल फाइंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू यू विल फाइंड न्यूरल टिश्यू न्यूरल न्यूरॉन्स भी तो इनर्वेट कर रही है है ना इनर्वेट तभी तो आपके हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है न्यूरो पैरा सिंपैथिक सिंपैथिक आप अभी रिलैक्स हो मैं अभी फिलहाल रिलैक्सड हूँ बिकॉज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जब मैं पढ़ाती हूँ मैं सबसे ज्यादा रिलैक्सड होती हूँ सीरियसली वेन आई टीच वेन आई पेंट राइट जब मैं पेंटिंग मुझे पेंटिंग करने का बहुत अच्छा शौक है आई यूजअली ड्रॉ लाइक क्या बोलते हो जेंट एंगलट आर्ट या फिर इस तरह के आर्ट जो भी मैं कर कर रही हूँ यू नो मंडली आर्ट एंड मंडला बोलते हैं उसको हम सो सॉरी सॉरीवी कॉलेज मंडली एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट ये एक मेडिटेशन का मोड है मेरे लिए सो so, जब मुझे मेडिटेट करना होता है या रिलैक्स करना होता है मैं यही चीजें करती हूँ राइट आई ऑल्सो डू सम पोर्ट्रेट्स एट्सेट्रा सो so, ये चीज़ें जब मैं कर रही होती हूँ तो ना मेरा बॉडी रिलेस्ड रहता है और उस टाइम पे मेरा हार्ट बीट नॉर्मल है सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट आराम से चल रहा है दैट मीन्स पैरासिम्पैथिक है ना पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स न्यूरल टिश्यू काम कर रहा है अब मैं सपोज मैं सोची यार मैं बहुत मोटी मोटिव रही हैव टू एक्सरसाइज हैव टू लूज सम वेट मुझे फिट रहना है मैं बहुत बीमार पर रही हूँ आई वॉन्ट टू बी फिट मैं दौड़ने गई मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ राइट right, अच्छे से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट तेज हो गई ना मेरा बॉडी स्ट्रेस में है बॉडी को तो आराम की आदत है जैसे वो देखा रही है तो भाग रही है तो एक्सरसाइज कर रही है अब इसके ब्लड को सर्कुलेशन को मीटअप करने के लिए आई हैव टू इंक्रीज माई प्ल एक्टिविटी हार्ट बीट इंक्रीज हो गया उस टाइम पर मैं अस्सी एट्टी टू एट्टी सिक्स बीट्स पर मिनट उससे ज़्यादा नहीं आई वीड आई ठीक है तो वो चीज़ें कौन करा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगेन सिंपैथेटिक न्यूरोन्स तो आया ना पैरा एंड सिंपैथिक न्यूरल टिश्यू ठीक है ओके okay. उसके अलावा हार्ट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनी कवरिंग हार्ट एक इतना वाइटल ऑर्गन है विदाउट दिस वी कैनॉट है विद के नॉट सर्वाइव राइट सो इस वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन की तो बहुत ज़रूरत है तो हमारे पास है ना पेरिकार्डियम अच्छे से कवर कर रही है हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है क्वेश्चनिंग इफेक्ट दे रही है शॉक एब्जॉर्ब कर रही है बाहर से यू you नो know, एक्सटर्नल जो भी उसमें इफेक्ट आएगा वो ट्रॉमा को वो पहले क्वेश्चन क्वेश्चन कर रही है एब्जॉर्ब कर रही है कि वो हार्ट तक ना जाए ठीक है वो पेरिकार्डियम करता है बहुत सारे कवरिंग होते हैं तो दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो चौथा टिश्यू भी है ना इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है सो यू विल फाइंड ऑल द फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन हार्ट ठीक है ये इतने सारे टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाया हार्ट क्या है ऑर्गन ठीक है समझ में आ रहा है ओके okay? चलो एंड ऑफ ऑफकोर्स किडनी किडनी में भी आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा एडिपोस कैप्सूल किडनी के अराउंड है आप आगे पढ़ने वाले एक्सक्यूटरी सिस्टम में बच्चों ठीक है अभी से मैं बता देती हूं ताकि आपको आगे जब मैं ये सेम चीजें आपको फिर से रिपीट करो उस चैप्टर में तुरंत आप कैच कर सको मैं क्या बोल रही हूं तुरंत आप ग्रेस्प कर सको उस चीज को दिक्कत ना हो कि अरे ये कैसे आ गया है डिपोजिटिव कैप्स्यूल क्या है नॉल थोड़ा थोड़ा मैं अभी से आपको बता रही हूँ ठीक है ओके किडनी में ऑफकोर्स यू विल फाइंड एपिथिल टिश्यू एस वेल ओके मस्क्यूलर प्रेजेंट नहीं है ओके सो व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म ये तो मैं एक्सप्लेन कर सक चुकी हूं ऑलरेडी आपको परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन ये फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन इसी को तो हम फिजियोलॉजी बोल रहे हैं इसी को तो हम फिजियोलॉजी बोल रहे हैं फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है यही डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा ओके

मैंने मेंशन किया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सर्वाइवल आपके जिंदा के लिए जरूरी है बिना आप, आप जिंदा नहीं रह सकते हो योर बॉडीस है ना तो सेल्स को जो न्यूट्रिय आ रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही आ रहा है तभी तो बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल रही है आप यू you नो know, आप कैलोरीज मिल रही है आप वॉक कर रहे हो टरी सिस्टम बिना सांस लिए कैसे जिंदा रहे सांस से आप सांस ले रहे हो राइट यू आर टेकिंग ऑक्सीजन इन ये ऑक्सीजन आपके हर एक सेल में पहुंच रहा है हर एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो मेटाबोलिज्म कर सके जो न्यूट्रिय आपने सपोज ग्लूकोज दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किसी एक सेल को ना यू हैव टू गिव ऑक्सीजन ऑल्सो फॉर देट ग्लूकोज टू बी मेटाबोलाइज तो ऑक्सीजन जा रहा है रेस्पिरेशन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो ओ टू सीओ टू ये न्यूट्रिय ये जा रहा है सेल में बट लेके कौन जा रहा है लेके तो ब्लड लेके जा रहा है ना तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है एक्सक्रीशन जरूरी है बिकॉज यू आर एक्सक्रीटिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी आपके बॉडी में जो अमोनिया बना है दैट अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इन टू यूरिया इन योर किडनी एंड ऑफकोर्स आप उस यूरिया को रिलीज कर रहे हो एक्सक्रीट आउट कर रहे हो बाहर अगर वो नहीं हुआ हमारे बॉडी में इफ़ यू डो नॉट सिस्टम आपकी बॉडी में टॉक्सिक बिल्डअप हो जाएगा एंड यू कैन नॉट सर्वाइव तो देखो ये सारे सिस्टम आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है सिवाय एक के बताओ मैंने एक नाम तो मिस किया एक ऑर्गन सिस्टम का नाम मिस किया तो आपको ये बता रहा है मैंने कौन से सिस्टम का नाम मैंने मिस किया है ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम सर्वाइव कर सकते हैं बट फिर क्या जरूरत है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर वो सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रही है वाई डू वी नीड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोजीनी आगे बढ़ाना है पॉपुलेशन ही नहीं आगे बढ़ेगा यहाँ पे मैं ह्यूमंस की अकेले बात नहीं कर रही हूं हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है बट सी योर प्रोजीनी यू कैन से कि एक प्रोजीनी को या आपके जीन को नेक्स्ट जनरेशन तक छोड़ के जाना इज अ ह्यूमन नीड नॉट ओनली ह्यूमन एवरी ऑर्गेनिज्म आप कोई भी ऑर्गेनिजम को देख लो तो तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स एनी काइंड ऑफ एनिमल इफ यू टॉक अबाउट इवन अ स्मॉल हाउस फ्लाई छोटी सी मक्खी की भी बात कर लो वो भी तो प्रोजिन छोड़ती है तो उसका स्पीशीज उसको आगे बढ़ाना है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज कंटिन्यूटी ऑफ मक्खी स्पीशीज कंटिन्यूटी ऑफ मच्छर स्पीशीज कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पीशीज ये इसके लिए प्रोडक्शन काम आता है आपके इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए काम नहीं आता है बट इट विल हेल्प इन लीविंग योर प्रोजीनी बिहाइंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ये एक्स्ट्रा नॉलेज था बट आगे का एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर दिस चैप्टर नॉट फॉर बायोलॉजी बायोलॉजी में तो ये काम आएगा जूलॉजी में आपको आगे पढ़ना ही है रिपोर्डक्टिव सिस्टम अंडर फिजियोलॉजी ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस है वो भी हम यहाँ पे करेंगे ठीक है चलो ओके सो यह सेल्स टिश्यूज organ, organ सिस्टम split up, in the way up the way you know split up the work in a way that exhibit division of labor division of labor मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था मैंने आपको बोला था ना अगर आपको बिल्डिंग बनानी है आपके पास 50 लेबर या 50 वर्कर है अब 10 10 के बीच में आपने काम को डिवाइड कर दिया ये जो डिवीजन किया कि तुम ईटे लेके आओ तुम जाओ और जाके सीमेंट लेके आओ तुम 10 जाओ और जाके आ, वायर्स लेके आओ इलेक्ट्रिक वायर्स स्विच बोर्ड्स लेके आओ बाकी 10 जाके पेपर वर्क करो ये आपने क्या किया बिल्डिंग कराने के लिए पेपर वर्क की जरूरत है ना एवरीथिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा तो आपने डिवाइड कर दिया काम बांट दिए आपने दैट डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है तो आपके बॉडी में जो सेल्स है आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो एक एक सेल ने अपना अपना फंक्शन ले लिया है ठीक है आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू से प्रोड्यूस है या कार्डियक सेल्स कार्डियक मसल फाइबर उनका काम क्या है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करना तो उसने काम ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स है उन्होंने दूसरा काम ले लिया इस तरह से अलग-अलग काम सारे कर रहे हैं ओके okay? चलो सो डिवीजन ऑफ लेबर एंड दे कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ओके okay? मैंने यह भी बोला कि दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट हेल्प इन survival ऑफ द बॉडी एज a होल इट जस्ट हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज मैं यहां पे लिख भी देती हूँ ये आपको नोट्स तो मिलेगा ना सो दैट यू कैन ऑलवेज हैव दिस पॉइंट विथ यू आप जब भी किताब खोल के ये नोट्स पीडीएफ खोल के पढ़ोगे तो आपके पास ये पॉइंट भी रहेगा ठीक है सो यस रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो सॉरी ओके रिप्रोडक्टिव सिस्टम mainly helps with continuity of the species, continuity of the species. Okay, चलेगा progeny को आगे बढ़ाने के लिए. आगे बढ़ते ये आपका ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है लेट्स नाउ मूव ऑन टू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम वो भी हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया लेट्स जस्ट रीड द थियरी और उस थियरी को एक बार समझ लेते कहीं हम कुछ स्किप ना कर जाए धीरे धीरे आराम से प्यास प्यास लग रही हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो हाई कीप ऑर सेल्फ हाइड्रेटेड बहुत जरूरी है ठीक है हाइड्रेशन नहीं रखोगे इसको भी दिक्कत होगी समझने में है ना बॉडी को भी दिक्कत होगी बॉडी को दिक्कत हुई तो ब्रेन अचानक से बिजी होता है वो मैम क्या बोल रही है छोड़ के पहले आपके बॉडी में फोकस करेगा ये ब्रेन का काम है तो हमें क्या करना है हमें ब्रेन को अभी फोकस्ड रखना है एक चीज में आपकी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए तो उसके लिए ब्रेन को आप आपको ही हेल्प करना पड़ेगा यू हैव टू हेल्प योर ब्रेन आउट तो अच्छे से प्रॉपर खाना खाओ प्रॉपर पानी पियो अच्छे एकदम हेल्दी हेल्दी खाना खाओ बाहर का खाना ज़्यादा मत खाओ ठीक है आई नो आप सुन सुन के पक गए हो मुझे भी बहुत क्रेविंग होती है बाहर जाके स्नैक्स खाने की बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी हेल्दी फ्रिक्वेंटली मत खाओ ओकेशनली जाओ थोड़ा बहुत पानी पूरी वगैरह खा लिया आपने ठीक है बट जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली करते हो आपकी डाइट बन जाती है है ना डाइट क्या है जो आप फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट एवरी जो खा रहे हो तो एवरी जो आप खा रहे हो फ्रीकवेंटली जो खा रहे हो वो सही खाने की कोशिश करो आप थोड़ा थोड़ा क्लास के बीच बीच में पानी पी लो और एकदम, you know, आप और अपने कंफर्ट जोन में रहो अभी फिलहाल तो ठीक है चलो बेसिक टिश्यूज एज यू हैर्न इन द अर्यर क्लासेस वॉट अर्लियर क्लासेस अभी अभी टिश्यू न्यूरल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ऑल दिस मस्क्यूलर टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गेस वही सेम चीज विच इन टर्न एसोसिएट्स टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है टिश्यूज आया ऑर्गेन्स बना ऑर्गेन सिस्टम बने इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग सच एंड ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑब्वियसली अकेले अकेले काम कर रहे थे सेल्स साथ में आए कि भाई काम तो हम सेम ही करे क्यों ना साथ में करें जल्दी होगा फास्ट होगा एफिशिएंट होगा हमें इतनी बड़ी बॉडी को तो संभालना है राइट सो यस सो दे कैन ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल फॉर मोर एफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स में है ना हमारे बॉडी में ईच ऑर्गेनिना बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था योर हार्ट मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी हुई है कुछ ऐसे भी ऑर्गेन है जो सिर्फ दो तरह के टिश्यूज से बनी हुई है किडनी जैसे ले लो हार्ट चारों से ही बने हुए हैं ओके फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लिख भी चुकी हूँ नोट्स में आवर हार्ट कंजिस्ट ऑफ ऑल द फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज टिश्यल कनेक्टिव मस्क्यूलर एंड ड्यूरन ओके ये तो हमने समझ लिया और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है आपको ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इस चैप्टर पे हम हमने ये जो अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन और ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये दो टॉपिक जो कवर किया अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम इसीलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन नाउ लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन अ मॉडल ऑर्गेनिज्म मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन है हमारे पास इस बार एन सी में मॉडल ऑर्गेनिज्म एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग है सो वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉग एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फ्रॉग के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा ये जो ऑर्गन के बारे में पढ़ा दीज ऑर्गन सिस्टम ये कैसे काम कर रही है कैसे फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है कैसे फ्रॉग में रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव एक्सेट्रा अब देखो कॉकरोच एंड आठवाम भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है आपकी है ना पहले एनसीआरटी में था नीट में आप कॉकरोच पढ़ोगे फिर भी एनसीआरटी में नहीं है अभी रिमूव किया गया है उसको बट फ्रॉग क्यों जरूरी है पता है फ्रॉग इज अ वर्टिब्रेट वो मॉडल ऑर्गेनिज्म हमसे बहुत क्लोज है मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी पॉकेट में मेंढक लेके नहीं घूम रही हूँ मैं क्रोज इन द सेंस हम भी तो वर्टिब्रेट है ना हमारे पास वर्टिबल कॉलम है फ्रॉग के पास भी वर्टिबल कॉलम है कॉकरोच के पास नहीं है आतूआम के पास नहीं है कॉकरोच इज एन इंसेक्ट आतुआम इज एन एनेलिड राइट दे देआर इनवर्टिब्रेट्स बट वर्टिब्रेट में फ्रॉग है तो हमारे फिजियोलॉजी से वो मैच कर रही है आप फ्यूचर में एमबीबीएस जब आप कर रहे होगे जब आप डॉक्टर बनोगे आपका मेन काम तो फिजियोलॉजी पढ़ना है ह्यूमन बींग्स का आप बाद में स्पेशलाइजेशन ले लो कि आप वेट कर रहे हो वेटनरी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो मेनली अगर मैं एम बी बी एस डॉक्टर की बात करूँ तो आपके पास एक आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे कोई सर्जन बन गया कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन गया कोई यू नो ऑप्टिशन बन गया इट right? कोई ऑप्स्टेटिक्स बन गया गाइनकोलॉजिस्ट बन गया गाइनकोलॉजिस्ट बन गया एटसेट्रा सो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में तो स्पेशलाइजेशन करो बट पहले तो आपको सब बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा ना सो so, क्योंकि आप ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे ह्यूमन पे काम करोगे आप फ्यूचर में आप ह्यूमन को ट्रीट करोगे तो जरूरी यही है ना कि आप उन ह्यूमन से मिलता जुलता किसी एनिमल के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लो तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा देन यू कैन मूव ऑन टू द हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ठीक है चलो सो so, यस yes. मॉफोलॉजी नान ना टोमी फ्रॉग। मैं अभी यही स्टार्ट करने वाली हूँ तो जल्दी जल्दी अच्छे से पानी वानी पी लो रेडी जाओ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ओके okay, अभी तो बस ट्रेलर चल रहा था अभी मेन मूवी आने वाली है आ ही रही है ओके सो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स हो आप बाहर से देख के जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग पढ़ोगे आप स्किन के बारे में पढ़ोगे एक्सटर्नली हमारे एक्सटर्नल फीचर्स क्या है क्या ह्यूम में जेंडर सेक्शुअल डायमोर्फिज एंड फीमेल में आप डिफ्रेंशियट कर सकते हो देख के एक्सटर्नली एक तरह का मॉर्फोलॉजी है राइट right? बॉडी कैसे डिविजन आप जब ह्यूमन को देखते हो क्या देखते हो हेड है और एक ट्रंक है आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट ऑफ द ट्रंक इस कॉल्ड थोरैक्स नीचे वाला एपडोम आपको थोरैक्स से दो हाथ दिख जाएगा निकलते हुए दो लिम्स यहाँ पे दो लिम्स है नीचे दो लिम्स है हाइंडल्स एंड सॉरी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स एटसेट्रा सो ये एक्सटर्नल फीचर जो विजिबल है इसको हम मॉर्फोलॉजी बोल रहे थे एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स ओनली बाहर से जो दिख रही है जिससे आप एनिमल्स को बाहर से स्टडी कर सको बिना काट के ओके इन द केसेस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोव्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन ओनली दिस है ना तो हम ऑफकोर्स प्लांट्स एंड माइक्रोव्स अगर देखो तो एक्सैक्टली exactly यही एक्सटर्नल फीचर्स है एनिमल्स में थोड़ा बहुत इंटरनल भी हम समझ लेते हैं जैसे माउथ के अंदर बकल कैविटी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया स्किन की थोड़ी अंदर की मोर्फोलॉजी पढ़ ली एक्सेट्रा केस ऑफ एनिमल्स ये मेन है वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेड रंग एक्सटर्नली विजिबल ऑर्गन्स आप एक्सटर्नल ईयर्स के बारे में हेड है सपोज हेड में क्या क्या दिख रहा है आपको आइज दिख रही है आपको माउथ दिख रही है ईयर दिख रही है सो दीज ऑर्गन्स एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गन आप पढ़ लेते हो देन नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही नहीं आप एनाटोमी भी पढ़ोगे फ्रॉक की क्योंकि आपको फ्यूचर में ह्यूमन बींग की एनाटॉमी भी तो पढ़ना है एनाटॉमी क्या है एनाटॉमी इज द इंटरनल फीचर एक्सटर्नल आपने पढ़ लिया नाउ यू विल लर्न अबाउट द इंटरनल फीचर अंदर से बॉडी में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रही है कैसे उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प कर रही है ये सारे हम पढ़ेंगे सो एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द एनिमल सो so, हर एक ऑर्गेन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे स्टमक की स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले किडनी एक्सेट्रा okay? you know ना एनिमल किंगडम में कई सारे फाइलम हैं तो हम कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं बट अंडर कॉर्डेटा देर मेनी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से फेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा वी आर वर्टिब्रेटा हम लोग के पास वर्टीब्रल कॉलम है वी हैव अ क्रैनियम क्रैनिएटा हमारा जो स्कल हमारे पास स्कल है और ब्रेन इज कवर्ड और एनक्लोज्ड विद इन अ स्कल विद इन अ बोनी स्केलेटन कॉल्ड एज क्रैनियम सो हम वर्टीब्रेटा को ये वर्टीब्रेटा को हम क्रैनिएटा भी बोलते हैं सो वी आर ऑल क्रैनिएट्स ओके वी हैव अ क्रैनियम स्कल ठीक है सो दैट्स सी नॉट ओनली फ्रॉग ह्यूमन नो तभी हम इसे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं ताकि हमें इससे मिलता जुलता फिजियोलॉजी हमारी है हमें समझ में आ जाए फ्यूचर में फ्यूचर अभी फ्यूचर आने ही वाला है कुछ दो तीन चैप्टर्स के बाद फ्यूचर आ जाएगा क्योंकि सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजियोलॉजी है ना चल। so, चलो सो चलो फ्रॉक के बारे में पढ़ना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आप बहुत प्यारा सा एक मेंढक है राइट ये आपकी एनसीईआरटी की ही पिक्चर है हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं मैं कुछ आपको अपने पर्सनल डायग्राम्स भी बना के दूंगी नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया ही था एंड छोटे छोटे नोट्स भी ठीक है ताकि ये शॉर्ट नोट्स एक बार में पढ़ के आपको समझ में आ जाए ओके चलो सो वी नो फ्रॉग्स दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर तो ये इसके हैबिट्स एंड हैबिटेट है ओके सो हैबिट्स एंड हैबिटेट कुछ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर वन अगर हम देखें सो यस फ्रॉग्स आर एम्फीबिया वी नो दैट दे आर एम्फीबिया और एम्फीबियंस एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ये दोनों जगह रह सकती है सर्वाइव कर सकती है हाउ they have special features to respire when they are both on land as well as in water जब वो land में है वो जैसे हम लोग land में respire कैसे कर रहे हैं pulmonary respiration उनके पास भी है when they go in water they have other respiratory structure that helps in them वो skin के through भी करते हैं respiration हम पढ़ने वाले हैं तो अगर हम frog की basic classification को अगर हम देख लें if we talk about the simple systemic position in frog सिस्टमिक पोजिशन इन फ्रॉक फ्रॉक कि फ्रॉग को हम एनिमल किंगडम में कहाँ प्लेस कर रहे हैं एनिमल किंगडम में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है कॉडेटा में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है हम एग्जैक्टली कहाँ पे फ्रॉग को प्लेस कर रहे हैं छोटा सा सिस्टमिक पोजिशन यहाँ लिखती हूँ क्योंकि एनिमल किंगडम में आप पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हो ठीक है सो फ्रॉक वी ऑल नो दैट दे बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम एंड दे बिलोंग टू द फाइलम तो जिनके पास नहीं है दे आर यूजेटाडेटा देर एक डू नॉट है हम इसको वर्टिब्रेटा में रखेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि वर्टिब्रेटा को हम क्रेनियटा भी बोलते हैं राइट right? अब इस वर्टिब्रेटा के अंदर बहुत सारे डिवीज़न आते हैं इसके पास जॉ है अपर जॉ लोअर जॉ दिख तो रहा है साफ साफ सो दे बिलोंग टू अ डिवीजन और सेक्शन वी कॉल इट एज नैथोस्टोमैटा दैट डैटोस्टोमैटा मीन्स जिनके पास जॉ है सो दे दे जॉज, जॉज, जॉर्ड माउथ ठीक है नेटा अब नेथोस्टोमैटा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास लिम्स है दो चार लिम्स दिखेंगे आपको दो ऊपर दो नीचे और किन्हीं के पास ऐसे फिशेस

का ओके राइट सो सुपर क्लास टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको जो क्लास मिलेगा बिकॉज आर आर मेनी क्लासेस अंडर टेट्रापोडा फ्रॉग्स हम भी तो हैं बट हम फ्रॉग है क्या नो no. हमारा अलग डिवीजन हो गया अलग क्लास में आ गए हम लोग है ना सो so, रेप्टाइल्स आपको क्रोकोडाइल uh, में भी दिखेगा चार है टोटल दे आर रेपटाइल्स सो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है एम्फीबिया रेप्टिलिया एंड मैम्स वी बिलोंग टू मैम एवस आपके उड़े आसमानों में जो चिड़िया है उनके भी फोर लिम्ब है बट दूसरा वो मॉडिफाई होके वि है बट है तो वो लिम्ब ही है ना राइट सो यस ये आते हैं एम्फी बिया क्लास में एम फी बिया क्लास में आ जाते वो ठीक है आपको पहले ही बोला था यहाँ पे एम्फीबियंस वाई देर एम फीबियस बिकॉज दे कैन लिव बोथ एम्फी मीन बोथ Dual nature. So they show usually dual nature. Okay, so here let me change the color. Dual nature. That's why they are called as amphibia. Okay, so they belong to the class amphibia. See how class amphibia of phylum.

आपको इसमें टेल दिख रहा है क्या नो सो हैव एनी टेल आर एन्यूरा 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 का मतलब है है? है, है? टेल ठीक ठीक इनके पास नहीं यूरो का वर्ड जो ये यूरो वर्ड जो आया है ना यू आर ओ या दैट मीन्स टेल एन मीन एबसेंट नो टेल प्रेजेंट ठीक है तो एन्यूरा हो गया ऑर्डर और अगर आप देखो इसकी जीनस जीनस क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज है के के अंदर राइट बट जिस जीनस और स्पीशीज बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है इस एनिमल का जो जीनस है वो है राना ओके कॉमन इंडियन फ्रॉग्स दे आर कॉमन इंडियन फ्रॉग्स राना बिकॉज इट्स द साइंटिफिक नेम मैंने अंडरलाइन किया है ये एक साइंटिफिक नेम है बच्चों तो इसको मैंने अंडरलाइन किया याद रखना जो साइंटिफिक नेम्स है इटैलिक्स में लिखा जाता है इटैलिक फ्रंट में और अगर आप खुद लिख रहे हो तो हमेशा अंडरलाइन करना ठीक है फ्यूचर में काम आएगा याद रखना ठीक है ओके जीनस एंड वी हैव स्पीशीज 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 एग्जैक्टली के भी बहुत सारे है राइट अंडर द जीनस राना दिस वन इज टाइग्रीना बिकॉज स्पीशीज एंड स्पीशीज को हम हमेशा उसका फर्स्ट लेटर शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं टाइग्रीना सो वी हैव राना टाइग्रीना ठीक है सो दिस स्पीशीज इस स्पीशीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्पीशीज का नाम भी इटैलिक्स में लिखा हुआ है एंड दे आर कॉमनली नोन एज दी कॉमन इंडियन फ्रॉग ओके कॉमन इंडियन फ्रॉग सो लेट स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ये थोड़ा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ दिस जम दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड यू टॉक अबाउट और लर्न अबाउट फिजियोलॉजी इन ह्यूमस आप जब आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे ये आपको ये जो नॉलेज आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको हेल्प करेगा थाउजेंड परसेंट ठीक है देखो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन सो हियर यू गो हियर यू सी दैट ये yes, कुछ हैबिट एंड हैबिटेट हम पढ़ रहे थे राइट right? हमने सिस्टमिक पोजीशन देख लिया अब हैबिट एंड हैबिटेट एक तो हैबिटेट हमने पढ़ लिया कि ये दोनों जगह रहते हैं लैंड में भी वाटर में भी राइट नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कोल्ड ब्लडेड ठीक है तो यहां पे मैं कुछ और उसके फीचर्स लिख देती हूं ठीक हैबिट एंड हैबिटेट में नंबर वन चलो हैबिट एंड हैबिटेट

सो देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द इनवायमेंट बाहर एनवायरमेंट मतलब जिस तरह से एनवायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता रहता है जैसे अभी सपोज थर्टी डिग्रीज है है ना तो उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ हमारा 37 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इन ह्यूमन बींग्स आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट रिमेन्स एज सच चाहे अगर जीरो में भी टेम्परेचर चला जाए बहुत ठंड है तब भी आपका 37 सेवन ही रहेगा आपकी बॉडी का वो मैकेनिज्म है योर बॉडी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट योर अ होम्योथर्म होम्योथर्म मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स है हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं दे कांठ के सो दे डू नॉट है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इट फ्लक्चुएट्स द बॉडी टेम्परेचर यूजली फ्लक्चुएट विथ एनवामेंट विथ एनवायरमेंट और एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर टेम्परेचर है नेचर में एनवायरमेंट में अब इसी वजह से क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर सपोज बाहर बहुत ठंडी है तो वो क्या करेंगे सपोज बाहर का टेम्परेचर भी विंटर सीजन है या बहुत ठंड है तो वो क्या करेंगे ज्यादा अगर उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत सी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जीरो में या टेन डिग्री में बॉडी टेम्परेचर नहीं जा सकता उनके ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे उनके ऑर्गेंस काम नहीं कर सकते ऑर्गेंस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तभी हमारे बॉडी में थर्टी है वो मेनटेन करता है जैसे ही हमें बुखार आता है टेम्परेचर इंक्रीज है थर्टी एट थर्टी नाइन में बोलो तो हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड थ्री का बुखार जब आता है तो क्यों हम लोग को तुरंत एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिया जाता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट पैरासीटामॉल कैलपोल इस तरह के कुछ हम लोग मेडिसिन लेते हैं ताकि और ना जाए ऊपर ना टेम्परेचर ऊपर गया तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा ठीक है तो एनी anyway, वो तो हमारे एक्सट्रीम केसेस में होता है नॉर्मल जब हम हेल्दी है हम तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 37 ताकि ऑर्गन सही सही काम करें ये नहीं कर पाते तो जैसे ही बाहर ठंडी है ये क्या करते हैं ये देट विथ स्टैंड दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर है मैं यहां पे लिख देती हूं दे कांडस्टैंड हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस और टेम्परेचर तो अगर ठंडी है बाहर तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्योंकि खुद कुछ चेंज नहीं कर सकते तो वो तुरंत धूप वाली जगह ढूंढने लगेंगे राइट right? तो धूप वाली जगह ढूंढने लगेंगे या कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो धूप से उनकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी इंक्रीज हो जाए समझ रहे हो क्यों खुद नहीं कर पा रहे ना खुद तो नहीं रहता तो ऐसे वो चेंज करते हैं। अगर सपोज बहुत गर्मी है तो वो क्या करते है? पानी में चले जाते हैं ठंडा हो गया बॉडी तो उनको ऐसे अपने बॉडी टेम्परेचर को नो रेगुलेट करना पड़ता है ऐसे घूम घूम के बाहर के टेम्परेचर को देखते के, के हिसाब से तो वो विस्टैंड नहीं कर सकते राइट इसीलिए इनको पोइकिलो या कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं नाउ कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो गया इतनी ठंडी है दे कैन नॉट सो धूप से भी उनकी बॉडी टेम्परेचर नहीं गर्म हो रही है इतनी ठंडी है बाहर तो वो क्या करते हैं विंटर स्लीप में चले जाते हैं राइट सो दे गो गो टू डोमेंट कंडीशन यहाँ पे देखो यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ होगा हम वही चीज पढ़ेंगे सॉरी

condition they usually usually undergo undergoes dormant period like what is dormant period dormant period like hibernation or astivation Astivation. क्या होता है ये दोनों चीजें हाइपरनेशन इज कॉल्ड एस विंटर स्लीप जब बाहर टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है एंड तो बहुत नीचे हो जाता है जिससे वो अपने बॉडी टेम्परेचर के बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए दे के नॉट कंट्रोल द टेम्परेचर मोर उसको उनको कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे वो अपने आप को गर्म रख सके सो so, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के सारे एक्टिविटीज को एकदम स्लो डाउन कर देते हैं दे फाइंड अ क्रेविस कोई छोटी मोटी जगह ढूंढ लेते हैं पेड़ के यू नो नीचे गोल कोई खड्डा वगैरह ढूंढ लेते हैं मिट्टी के नीचे ऐसे किसी जगह पर जाके वो सो जाते हैं ये सोना एक नॉर्मल लेम एंड टर्म में मैंने बोला साइंटिफिकली हम उसको हाइबरनेशन या एस्टिवेशन बोलते हैं अगर ये समर में कर रहा है तो समर में भी मतलब सीरियसली मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और मैंने क्योंकि मैं आ, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैंने देखा हुआ है वहाँ पे कि एकदम ना सूखे जब वो नदी या तालाब सूख जाते हैं ना ऐसे ड्राउट आता है या समर के टाइम पे तो वो जो फ्रॉग्स है ना एकदम सूखे पापड़ की तरह से पड़े रहते हैं जैसे आपने थोड़ा पानी डाला आप कैसा ये तो मर गया अब पानी डाला स्टार्ट ड्रिंकिंग डैट वाटर नो नॉट एक्चुअली ड्रिंक बट उनकी मूवमेंट थोड़ी बॉडी की स्टार्ट होते तो आँखें वाँखें खोलते है, तो, तो जिंदा हो गया वैसे कैसे हो गया तो वो एक्चुअली डॉमिन पीरियड में चले जाते हैं राइट सो एस्टिवेशन ये चीज वो समर में करते हैं इसलिए तो इसको समर स्लीप बोलते हैं हम ओके समर स्लीप बात यह है कि ये कम से कम जब तक सपोज तीन महीने सर्दी है तीन महीने वो वैसे ही रहेंगे ना कुछ खा रहे ना पी रहे इनकी हार्ट बीट एकदम बहुत ही कम हो गई है इनकी रेस्पिरेशन भी एकदम तो ये जिंदा कैसे है लंग्स की आपको ऐसे लगेगा ही डियर कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी का नथिंग तो ये रेस्पायर ऑटू कैसे प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को खाना एनर्जी कैसे दे रहा है सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ये बात याद रखना बच्चों कि वॉट एवर लिटिल बिकॉज़ टॉर्मेंट है यू नो सो रहे हैं तो उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं बट थोड़ी बहुत जिंदा रहने के लिए तो जरूरत है ना तो वॉट एवर लिटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाई प्रोवाइडेड बाई फैट बॉडीज हम आगे पढ़ने वाले बेटा फैट बॉडीज उनके पास फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है उनकी ठीक के ऊपर, ये फैट बॉडीज स्टोर ग्लाइकोजन एंड लिवर ऑल्सो सो प्रोवाइड बाई फैट बॉडीज एंड ग्लाइकोजन फैट बॉडीज स्टोर ग्लाइकोजन बेटा ग्लूकोज स्टोर करता है ग्लाइकोजन स्टोर करता है ग्लाइकोजन स्टोर बाई लिवर तो पूरे तभी दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन जब थोड़ा बहुत लग से बारिश बारिश के सीजन में रेनी सीजन में जरा सो तो एक्टिव बिकॉज ये सारी चीजों को वो रि, रिप्लेनिश कर रहे हैं जो अभी उनकी रिजर्व और खत्म हो गई थी ना समर सम्म, एक्सट्रीम समर एंड एक्सट्रीम विंटर में अब वो रेनी सीजन में आके बहुत एक्टिव हो गए कि मुझे जल्दी जल्दी फैट बॉडी में सब फिर से रिस्टोर करना है या फिर से खाना वाना खा के आराम से लिवर में ग्लाइकोजन जमा लेना क्योंकि मुझे तो फिर से जाना है विंटर स्लीप में ठीक है सो एंड ओ टू ओ टू इस ऑक्सीजन भी तो जरूरी है ना जिंदा रहने के लिए ओटो इज प्रोवाइडेड वाया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम आगे अभी पढ़ने वाले इस चैप्टर में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट मीन्स रेस्पिरेशन वाया स्किन इनके स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है इसी उस टाइम पे ना ये पलमे इसके लंग्स ना काम कर रहे सब डॉर्मेंट पीरियड में है सो so, इनके स्किन के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एनवायरमेंट से एंटर कर रहा है तभी वो जिंदा है राइट right? अब कैसे हो रहा है ये स्किन इतना क्या हमारा तो स्किन में रेस्पिरेशन नहीं हो सकता वी आर वेरी थिक स्किन और ये मॉइस्ट भी नहीं है हमारा स्किन इतना मॉइस्ट थोड़ी गीला थोड़ी है स्किन नहीं ड्राई है स्टेटिफाइड है ये सर्टिफाइड एपिथीलियम uh, है ड्राई है तो नहीं हो सकता उनका ऐसा नहीं है वेरी थिन स्किन एंड इट्स ऑलवेज मॉइस्ड कैसे मॉइस्ड वी विल लर्न अबाउट दैट सो एज आई जस्ट एक्सप्लेन हियर, राइट कि ये डॉमिन ये पोइकिलोथाम्स है कोलब्लेड है दे गो टू डोमिन पीरियड कैसे डोमिन पीरियड में जिंदा रहते है वो भी हमने थोड़ी देर पहले इसमें पढ़ लिया है राइट आईव जस्ट एक्सप्लेन यू हीयर राइट आगे की फीचर्स थोड़े थोड़े पढ़ लेते आप है ना आपने ये भी देखा होगा कि फ्रॉक्स का जो अभी बॉडी कलर आपको ग्रीन दिखा राइट यू सॉ ग्रीन कलर फ्रॉग इन द वेरी बिगनिंग दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर वो अपने बॉडी कलर को क्यों चेंज क्या जरूरत है ऐसे मजे के जैसे हम लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं नॉट दैट दे नीडेड टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम प्रिडेटर्स या कैमोफ्लाज कर जाते हैं राइट सो यू कैन सी हियर द चेंज इन द बॉडी कलर इस फेन को बेटा हम लोग बोलते हैं मेटाक्रोसिस ये जो फेनोमेना है ना ऑफ चेंजिंग देयर बॉडी कलर दे कैन चेंज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन टू ऑलिव ग्रीन एंड थोड़ा ब्राउनेशन एवरी थिंग दे कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से एनवायरमेंट में क्या वो सूखे पत्तों के बीच में बैठा है सूखे पत्ते थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिखते तो अपना कलर धीरे से ब्राउन चे, चेंज कर देते हैं ये जो चेंजिंग प्रोसेस है इसको न, न, आपको मिलेगा फ्रॉग में ठीक है इन द फ्रॉग वाइल्ड दे आर इन ग्रासेस जैसे कि मैंने बोला कि दे कैन चेंज द कलर ऑफ द बॉडी जब वो ग्रासेस में है या ड्राई लैंड में है ड्राई लैंड सूखे जमीन सूखा जमीन कैसा होगा थोड़ा ब्राउनिश मिट्टी मिट्टी कलर का होगा तो ये कर क्यों रहे हैं क्यों जरूरत है सो दे हैव द एबिलिटी दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज यहाँ पे एनिमीज मतलब हम यहाँ प्रीडेटर की बात कर रहे हैं प्रीडेटर्स की बात कर रहे हैं ओके okay? इस प्रॉपर्टी को हम कैमोफ्लाज बोलते हैं कैमोफ्लाज अगर आप कैमोफ्लाज के बारे में जानना चाहो तो मैं ये छोटा सा यहां पे लिख देती हूं कैमोफ्लाज मींस कैमोफ्लाज इज मेनली टू ब्लेंड विद द नेचर एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड हो जाना अगर मैं अभी, अभी देखो मैं ब्लैक कलर का कपड़ा पहनी हूं राइट right? ये वॉल्स जो है मेरे पीछे वॉल जो है ये भी ब्लैक कलर का है अगर मेरा पूरा मेरे बॉडी को ब्लैक ब्लैक पेंट कर लिया तो मैं कैमोफ्लाज कर जाऊंगी ना अपने एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड कर जाऊंगी सो इट्स यूजअली ब्लेंडिंग विद द एनवायरमेंट जो कैमिलियंस में भी हमें दिखता है ना ब्लेंडिंग विद विद द ब्लेंडिंग द एनवायरनमेंट जो भी करंट एनवायरनमेंट है उनका उसके थ्रू ग्रीन ग्रास है तो ग्रीन हो गया ब्राउन uh, कलर का लैंड है ड्राई लैंड है तो ब्राउन कलर हो गया सो दैट इज कैमोफ्लाज और ये चीज वो तो अपने आप को हाइड करने के लिए ढकने के लिए करते कि प्रिटर देख ना पाए राइट प्रिटर कौन है सपोज स्नेक जा रहा है तो स्नेक देख नहीं पाएगा चला जाएगा यूजुअली स्नेक देखते नहीं है दे कैन सेंस हीट बट ये कोल्ड ब्लड है तो इनको हीट तो दिखेगा नहीं बट दे कैन स्टिल कैन मैनेज विद ऑल फैक्ट्री ग्लैंड बहुत डेवलप होता है स्नेक का पढ़ेंगे कभी तो फ्यूचर में दिस प्रोटेक्टिव मिमिक्री ये तो लिख दिया है इन्होंने लेकिन एक डिफरेंस है कैमोफ्लाज और मिमिक्री में एक डिफरेंस है कैमोफ्लाज तो ब्लेंडिंग विद द नेचर है ना मिमिक्री की अगर आप बात करो वेन यू टॉक अबाउट मिमिक्री यहाँ पे छोटा सा फिर लिख देती हूँ मैं मिमिक्री का मतलब है टू मिमिक और कॉपी अनदर जो आप यूजुअली लेम टर्म्स में समझते हो ना मिमिक्री कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है है ना बच्चे यूजुअली टीचर्स की मिमिक्री करते हैं तो आप किसी की कॉपी कर रहे हो ये कॉपी नहीं कर रहा था ये एनवायरमेंट के रंग में रंग मिला के ब्लेंड हो रहा था वो कैमोफ्लाज है मिमिक्री में किसी दूसरे एनिमल को मिमिक्रन और कौन ऐसे किसी रैंडम एनिमल को नो no. सपोज एक बर्ड है और वो एक बर्ड आके एक पर्टिकुलर तितली को खाना बहुत पसंद करती है लेट्स इमेजिन अब ये तितली तो एडिबल है उस बर्ड के लिए बर्ड को बड़ा मजा आता है तो तितली क्या करेगी वो देखेगी कि एक और स्पीशीज ऑफ तितली है इज अनदर स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जिसको ये बर्ड खा नहीं रही है क्योंकि वो वो पर्टिकुलर बटरफ्लाई इस बर्ड के लिए टॉक्सिक है तो वो क्या करेगी ये इवोल्यूशन के थ्रू धीरे धीरे हुआ है बेटा इन्होंने भी सीखा है एनिमल्स भी सीख सकते इतना वो भी हम है स्मार्ट है बहुत ठीक है तो उसने देखा कि मैं इसके बॉडी पैटर्न के हिसाब से अपनी बॉडी का कलरेशन जो भी उसके तितली के विंग्स में जो मार्क्स है मैं वैसा ही मार्क्स अपना इवोल्यूशन के धीरे धीरे जीन चेंज करके बनाती हूँ तो ये बर्ड को लगेगा कि अरे ये तो मेरा वो वाला तितली है जिसे मैं खा नहीं सकता तो वो खाएगा नहीं तो ये पहले एक प्रे था दिस तितली वॉज अ प्रे क्योंकि उसको आके बर्ड खा लेती थी अब ये एक नॉन एडिबल प्रे में कन्वर्ट हो गया जिसको बर्ड नहीं खाती तो ये भी बच गया ना ये मिमिक्री है ठीक है सो टू मिमिक और कॉपी अनदर एनिमल फॉर प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन For protection against predator. Predator. ठीक है ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं किया गया तभी तो हम एनसीआरटी डी कर रहे यही तो काम है एनसीआरटी बुक सबके पास है लेकिन डी करना डिफरेंट बात है एनसीआरटी को पढ़ना और एनसीआरटी को समझने में जमीन आसमान का फर्क है बोल तो सब देते कि बेटा एन पढ़ लो एन पढ़ लो या एन सी पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा एन को पढ़ना नहीं समझना है क्योंकि आपका जो नीट का पेपर है वो एम फॉर्मेट में है एम सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शंस तो है आपके पास एक इजी चीज़ है कि चार ऑप्शन है कोई एक चूज करना है लेकिन वो ऑप्शंस को समझने के लिए यू नीड थियरी यू नीड नॉलेज यू नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हीर यही हम यहाँ पे पीडब्ल्यू में आपके लिए लेके आए हैं यही एनसीआर लाइन बाय लाइन वी आर डिकोडिंग इट आराम से अच्छे से तो समझना अच्छे से सब मिल जाएगा नोट्स एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है ऑलरेडी ठीक है यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर ये अभी 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 आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे समर में नहीं दिखता विंटर में नहीं दिखता एक्सप्लेन किया राइट ड्यूरिंग समर और विंटर समर स्लीप को हम एस्टिवेशन बोलते हैं विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं वो डॉर्मेंट पीरियड में चला गया कुछ खाना पीना कोई ज़्यादा मेजर एक्टिविटी बॉडी की हो नहीं रही है ऑक्सीजन उनको स्किन से मिल जाता है ियस एस्पिरेशन से एंड उनकी जो एनर्जी उनके बॉडी के सेल्स को चाहिए उसको थोड़ा जिंदा रखने के लिए अगले सीजन तक वो उनके ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है लीवर में उससे मिल जाता है फैट बॉडी से ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे चीज लिख दिया है ठीक है राइट सो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक द शेल्टर इन डीप बरोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड कर चुकी हूं एक्सप्लेन दोबारा जरूरत तो नहीं है ना अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था अलग से नोट्स भी बना दिए थे दिस इज नोन एज समर स्लीप दैट इज एस्टिवेशन और विंटर स्लीप दैट इज हाइबरनेशन नॉट और एंड ठीक है रेस्पेक्टिवली इतना क्लियर हो गया ये छोटा सा आपका हैबिट एन हैबिटेड हो गया अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या था बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स एक्सटर्नल विजिबल फीचर ठीक है जो आपको बाहर से दिखे जिससे आप बता सको बाहर से देख के कि हाँ ये जो एनिमल है इसका ये 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 फीचर से से बाहर से आप स्टडी कर सको थोड़ा एक्सटर्नल फीचर्स को ओके सो द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस मैंने अभी आपको बोला था उनकी जो स्किन है सो so, सॉरी बेटा एक मिनट उनकी जो स्किन है The skin is thin, the skin is moist, right? The skin is thin, the skin is moist, and that is the reason why. And yes, moist, kisne moist, mana kyu, gila sa kyu hai, moist kyu hai itna, kiswa jese hai, inone uh, ha, kya bolte cream laga hai, moisturizer laga hai? <laughs> they have mucus gland, okay? So, there is presence of mucus in it because it possesses. म्यूकस ग्लैंस ऑल ओवर द स्किन म्यूकस ग्लैंस प्रेजेंट है विच रिलीज म्यूकस म्यूकस ये स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है बिकॉज दिस मॉइस्ट स्किन इज आइडियल आइडियल फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सुटेबल फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस का मतलब ही करते हो, तो के अंदर एल्वियोलाई सेल्स होती है सॉरी एलवियोलाई होती तो so, ये जो एलवियोलाई है इस ये सपोज ये जो -like आपके लंग्स के अंदर है ये भी ड्राई नहीं है किसी भी जगह जब रेस्पिरेशन हो रहा है उस एरिया को मोइस्ड होना जरूरी है आपको यहाँ पे लेसाइथिन की कवर मिलेगी आप पढ़ने वाले हो जिससे ओ टू और सीओ टू का मूवमेंट आसानी से हो सके तो हमारे में वो एलब्यूलाई कर रही है इनमें भी कर रही है फ्रॉग में भी बट उसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा भी है स्किन भी एलब्यूलाई की, की जरूरत ही नहीं है स्किन के थ्रू ओ टू और सी टू का मूवमेंट हो रहा है ठीक है राइट सो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं क्योंकि ये तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले यहाँ तो जरूरत है नहीं ठीक so, है सो स्किन इनका स्मूथ है स्लिपरी है राइट कंप्लीटली स्मूथ बिकॉज अगर कुछ आप रफ स्किन हुआ जैसे कि टोड में होता है बच्चों फ्रॉग और टोड में ना बहुत डिफरेंस है जो आप अगर आपने सपोज आज मूव घूमने गए आप गार्डन में बारिश बारिश का मौसम वैसे ही है एक दो फ्रॉग तो दिख ही जाएंगे एक दो टोड भी दिख जाएंगे तो आप एक को देखे को बोलेंगे अरे मैम मैम ने तो बोला था कि ये स्मूथ स्लिपरी है ये जो टोड इसका तो बहुत खुरदुरा सा स्किन है ये कैसे फ्रॉग हो गया मैम ने गलत पढ़ा नहीं वो टोड हुआ तो आप ऐसे ना गार्डन में खुद ही जाके देख सकते हो डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनको मत पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए बिल्कुल ये पैर से मारना ये सब मत करो है ना क्या ही करेंगे बेचारे गार्डन में रहते हैं घूमने दो उनको कुछ मत करो साइड से निकल जाओ ठीक है अगर आपको देखे कि वो रास्ते के बीच में है तो उसको साइड से मूव करके ग्रास व्रास में डाल दो है ना ताकि कोई उसके ऊपर से ना चला जाए छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है एनवायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है है ना वो इंसेक्ट्स इस टाइम बारिश के मौसम में बहुत इंसेक्ट वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं उसको ये खा जाते हैं है ना खा के आपके एनवायरमेंट को एक बैलेंस में रख रहा है हर ऑर्गेनिज्म जरूरी है ठीक है ओके okay, चलो सो मेंटेन अ मॉइस्ट कंडीशन कौन कर रहा है स्किन में म्यूकस ग्लैंड स्किन को मॉइस्ट कंडीशन में रख रहा है द कलर ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी इज़ रिप्रेजेंट यू नो जनरली ग्रीन आप देख सकते हो इनकी जो बॉडी का कलर है डॉर्सल साइड में ये उसका डोर्सल साइड हो गया दिस इज द डॉर्सल साइड और ये उनकी वेंट्रल साइड है यहां पे नीचे किसी भी ऑर्गेनिज्म आप जब Uh, पढ़ाई करोगे आप जब प्रैक्टिकल करोगे और जब आपका आई थिंक सेकेंड या ईयर थर्ड ईयर में आपकी एनाटॉमी की स्टडी होती है सो विल बी हैविंग कॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू कॉप्स समझते हो ना लाश जब आपके सामने होगी कैडवर बोलते हैं वहां पे आपके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सो कैडवर में आपके जो प्रोफेसर होंगे आपको बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रली कट करके दिखाओ इस 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 पर्टिकुलर ऑर्गन का पोजिशन वेंट्रोलट्रली है इसका सैजिटल सेक्शन ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले तो उस टर्मिनोलॉजी को तब समझने के लिए पहले ही डॉर्सल एंड वेंट्रल को समझ जाओ ये मैं फिजियोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी डोंट वरी तो डॉर्सल साइड थोड़ा डार्क ऑलिव कलर का ग्रीन है ग्रीन कलर है द वेंट्रल साइड थोड़ा लाइट

एज यू कैन सी ऑन द वेंटर साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो थोड़ा लाइट ग्रीन यालोइ ग्रीन टाइप कलर होता है आपको ऑलरेडी इस पिक्चर में दिख गया था है ना फाइन सो ऑन द द फ्रॉक नेवर ड्रिंक्स वॉटर आप बोलोगे मैम ये जो स्लिपरी एंड स्मूथ त्वचा का जो राज है फ्रॉग में ये क्यों है म्यूकस ग्लैंड के वजह से है पानी पीने से नहीं इनको पानी पी, हमें पानी पीने की जरूरत है है ना इनकी स्मूथ एंड स्लिपरी ये जो त्वचा है स्किन है इसका राज है कि इनके पास म्यूकस ग्लैंड है दे डोंट ड्रिंक वाटर दे डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर दे डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन उनके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है ना बाबा तभी तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो पा रही है मोएस्ट है इनका स्किन ठीक है इतना क्लियर है सबको ये, छो, ये सारे एक्सप्लेन अभी हो गए हैं हमारे मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं आगे मॉर्फोलॉजी में बढ़ते हैं नाउ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक आप इस पिक्चर में देखो अगर तो मैं यहां पे बना भी देती हूं चलो कोई बात नहीं सो so, सॉरी बेटा एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूं तो अगर आप उतना अच्छा डायग्राम मैं बनाती नहीं हूं बट आई एम जस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ठीक है ठीक है ये सपोज फ्रॉग है अगर आप देख लो यहां पे, इनकी यहां पे उनका हैंडलेम्प हाँ हो गया चलो सो यू कैन सी दैट देर बॉडी इज डिविजिबल इन टू अड एंड अ ट्रंक तो अगर हम बॉडी को डिवाइड करें इस तरह से अगर हमने सपोज बॉडी को डिवाइड कर लिया तो यू कैन सी दैट देर इज अड एंड देर इज अ ट्रंक हियर ओके नेक प्रेजेंट नहीं है दे डू नॉट हैव अ नेक सो देर इज नो नेक एंड टेल टेल नहीं है तभी तो एन्यूरा है नो no टेल एन्यूरा बताया था मैंने दे बिलोंग टू द ऑर्डर एन्यूरा एंड नेक नहीं एंड डू यू नो ये नेक ना होने का ना एक उनके लिए बहुत हेल्पफुल uh, चीज है फ्रॉग का लोकोमोशन कैसा है फ्रॉग ऐसे जंप करता है मैंने यहाँ पे हैबिटेट में लिख भी देती हूँ ठीक है कहाँ पे लिख रही थी मैं है हैबिटेट हाँ सो so, उनका अगर आप लोकोमोशन देखो लोकोमोशन अगर देखो सो दे स्विम जब वो, वो वाटर में है तो वो स्विमिंग कर रहे हैं ठीक है जब वो लैंड पे है दे लीप है ना लीप आपने देखा होगा जंप करके एक जगह से दूसरे जगह से लीप करके जा रहे हैं राइट है। लॉन्ग जंप जो कर रहे दैट इज लीपिंग छोटे छोटे जंपिंग से जा रहे यू कैन सी सो जंपिंग दे नेवर वॉक और दे नेवर रन ओके okay. सो so, ये जंपिंग एंड लीपिंग में जब अगर हाँ आप, आपने जंप किया आप कितने दूर थोड़ा थोड़ा जंप करने आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्द हो सकता है आपको है ना हमारा ब्रेन ऐसे मूव करता है बिकॉज इट इज लूज द ब्रेन और योर हेड इज नॉट अटैच टू योर ट्रंक वो आपके शोल्डर से कनेक्टेड है वाया अ नेक एक थिन सा जगह हमारे में जरूरी है फॉर अदर रीजन राइट बिकॉज ये मूवमेंट जो हम करते हैं वो नेक के वजह से ही कर पाते हैं ये मूव नहीं कर सकते इनके दूसरे हेल्प दूसरी चीज में हेल्प होता है वो इन दे जंप या लीप कर रहे हैं ना इनके हेड को प्रोटेक्ट कर सकता है ये कंकशन नहीं आएगा मूवमेंट नहीं होगा ब्रेन का या प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को कोई इंजर नहीं होगा द हेड वॉन्ट गेट इंजर्ड दे विदिंग ऑन लीपिंग दैट इज द एडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग अ नेक ठीक है चलो ये चीज हमने देख लिया दूसरा अब एस आई जस्ट सेट दैट दे डू नॉट है कहा गया हांजीरा सो अ नेक एंड टेल आर एबसेंट बता दिया ऑलरेडी ये तो पढ़ ही लिया हमने है कि नहीं अव द माउथ ठीक माउथ के ऊपर अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स इज प्रेजेंट और ये शुड बी आर प्रेजेंट थोड़ा सा गलत इनमें इंग्लिश एनी वे नो वरी यू कैन सी समवेयर हियर सो दिस इज द आई लेट्स इमेजिन ये सपोज उनकी आई है दिस इज आई ठीक आई के पीछे समवेयर हियर the presence of the nostril. Somewhere here, the presence of the nostril, external nostril. Okay. This is the eye, as you can see here. यहाँ पे भी mention है head है. This is the bulging of the other eye. ऊपर उस side भी एक eye है ना, दो-दो eyes है. तो उस side का part तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि lateral view हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है? Right. So आईज आर बल्स एंड कवर्ड बाई अक टिटेटिंग मेमब्रेन नॉट ओनली दिस बहुत सारे फीचर वो हम पढ़ेंगे आईज आर बल्स एंड कवर्ड बाई अटिंगड इनके पास तीन तरह के होते हैं इन अ फ्रॉक यू विल फाइन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आईलेट एक अपर आईलेट अपर आईलेट दिस अपर आईलेट इज Movable. ये जो अपर आईलिड है इसको ये मूव कर सकते हैं आईबॉल के ऊपर कवर करके मूव कर सकते हैं राइट दे हैव अ लोअर आईलिड एंड बाय द वे ये जो आईलिड है ये थिक है थोड़ा थिक स्किन मोटे से स्किन का है आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो ये अपर आईलिड यहाँ पे आपको दिख रही है ना अपर आईलिड ये थोड़ी थिक है मूवेबल है लोअर आईलिड जो आपको दिखती है यहाँ पे नीचे ऑलमोस्ट वेस्टिजियल यहाँ पे है वेस्टिजियल है एकदम तो मतलब थोड़ा बहुत डेवलप्ड एंड इमूवेबल है राइट right? सो so, जो लोअर आईलिड आपकी है कहा लिख रही थी मैं रहा सो दैट इज इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल यू कैन इट इज वेरी थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट टाइप है वे, ये पूरा का पूरा ओपेक है ठीक है ना ओपेक ही होगा गया ऑब्वियसली एंड एक थर्ड आई है तो ये उसका फर्स्ट आई हो गया ये उसकी सेकेंड आई हो गई एंड दे इज अ थर्ड आई लिड एंड दर्ड आईलेड इज कॉल्ड एज दिक्टिटेटिंग मेमब्रेन जो मेम्रेन है बेटा ये ट्रांसपेरेंट है तो ये एक्चुअली ग्लास की तरह काम कर रहा है आई ग्लास की तरह काम कर रहा है वेन दे आर यूजअली स्विमिंग ना अंडर वॉटर जब है आप सपोज अगर आप में से कोई स्विम करता हो तो आप देखना स्विमर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव ग्लास होता है राइट एक वो चश्मा टाइप पहनते पूरा बांध बंधा हुआ जिससे उनको अंडर वाटर विजन अच्छे से मिले है ना अंडर वास्टर विजन मिले एंड वो कुछ किसी भी एक डस्ट पार्टिकल एक्सटर्नल पार्टिकल से उनकी आई प्रोटेक्टिव रहे तो वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वो काम करती है वो पूरा कवर कर लेती है सो so, उनको ग्लास खरीदने की जरूरत नहीं उनके पास इनबिल्ड ग्लास भगवान ने बना बनाया भेजा है उनमें ठीक है तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखो ये यह यहाँ पे आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है राइट दिस इज दिक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन द थर्ड आई हमारे पास भी है बट वो डेवलप्ड नहीं है वेल well डेवलप्ड यहाँ पे छोटा सा आपको दिखेगा इस एरिया में राइट right? इस एरिया में आपको दिखेगा दैट इजिंग मेम्ब्रेन वो हमारा वेस्टिजियल हो गया वेस्टिजियल मतलब जो अभी और डेवलप नहीं उसकी डेवलपमेंट खत्म हो गई है वो रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है ठीक है तो हमारे एंसेस्टर में था ओके okay? चलो आगे बढ़ते फाइन सो दैट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर एज आई जस्ट सेट ठीक है डस्ट पार्टिकलॉलोजी से प्रोटेक्ट करता है ऑन ईदर साइड ऑफ आई इज अम्ब्रेनस टिम्पैनम टिम्पैनम क्या है उनका ईयर। इट रिप्रेजेंट द ईयर टिम्पैनम राइट उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है ये ईयर पिना है अंदर ऑडिटरी कनाल है यू कैन ऑल्सो सी द टिम्पेनिक मेम्बर इन साइड अंदर की तरफ है वो आपके एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से डिवाइड करती है सेपरेट करती है टिम्पेनिक मेम्बर आप में इनमें सिर्फ ही है जो आपको इस डायग्राम में यहां पे दिख रहा होगा सो यू कैन सी हियर द नॉस्टल्स आर प्रेजेंट सो सॉरी ओके समवेयर हियर एक मिनट थोड़ा छोटा सा चेंज है बेटा छोटा सा चेंज है, सा है। Somewhere here the nostrils आर प्रेजेंट ओके चलो कोई बात नहीं ये भी ठेक कर देते हैं यहां पर नउट आई था वी हैव द एक्सटर्नल नॉस्ट्यूम्स चलो कोई बात नहीं लेट्स मूव ऑन नाउ सो इसका काम क्या है इट एक्ट एज अ रेजोनेटर जो इनकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इट यूशली एक्ट एज रेजोनेटर, सो आई जस्ट राइट इट हियर ओनली, यहाँ पे पेजी कहाँ पे लिख दू मैं लेट्स राइट हियर ओनली, सो इफ यू टॉक अबाउट द ईयर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई द टिम्पैनम बाई द वे दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर इनकी इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड है लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं है एकदम हा ईयर या टिमपैनम इट एक्ट एज अ रेजोनेटर राइट इट कलेक्ट साउंड वेव्स और साउंड वेव्स को एक्सीलरेट एम्पलीफाई करेगी उस साउंड को एंड देन वो इंटरन ईयर में जाएगी उनको सुनने में हेल्प करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं रिसीव द साउंड सिग्नल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जैसे कि हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी इज डिडेड टू हेड एंड ट्रंक तो हेड में क्या क्या था हेड में आपको नोस्ट्रल्स दिख गए हेड में आपको आईज दिख गया हेड में आपको ऑफ कोर्स आइज में डिकटेटिंग में अपर आई लोअर आई ये सारी चीजें दिख गई आपको हेड में टिम्पैनम भी दिख गया राइट बट अब आते हैं हम ट्रंक में ये सारे हेड में उनके प्रेजेंट थे सो बॉडी इज डिविजिबल इन टू दीज टू पार्ट ना हेड एंड ट्रंक तो हेड में आपको क्या क्या दिख गया राइट यू सो आईज सो नोस्ट्रिल्स ओके यू सो ओपनिंग ऑफ माउथ ओपनिंग ऑफ माउथ राइट यू ऑल्सो सो का टेम्पैन एक्सेट्रा राइट ये सारी स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी दिख गई थी हेड में बट ट्रंक इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट इंटरनली एक थोरैक्स एक एबडोम ओके थोरैक्स एंड एबडोमिन थोरैक्स एंड एबडोमिन कंप्लीटली मिला के ट्रंक है ट्रंक में आपको क्या मिलेगा ट्रंक कंप्राइजेस ऑफ लिम्स एक्सटर्नली हम तो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं. Internally, में बहुत जैसे बकल कैविटी ब्रेन टीथ टांग इंटरनल है ये बाहर से नहीं दिख रहा है मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं हम तो ट्रंक में भी एक्सटर्नली आपको क्या दिख रहा है लिम्स दिख रहे हैं राइट सो देर इज प्रेजेंस ऑफ पोरलिम एंड

देर आर ओनली फोर डिजिट चार ही फिंगर्स अगर आप बोलो तो लेमैंड में आसान भाषा में अगर बताओ तो चार डिजिट है सिर्फ चार फिंगर्स है इनके फोर लिम में ठीक है एंड अगर आप हैंडलिम की बात करो दिस इज दैंडलिम हाइडलिम्प अगर आप देखो हाइंडलिम है शैंक एरिया अ लॉन्ग एंकल दिस इज द यू नो पार्म काइंड ऑफ सोल का डिजिट्स एंड है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सो हाइंड लिम्प इफ यू सी दे हैव फाइव टोज फोर लिम्ब में चार डिजिट है एंड फाइंड लिम में पांच टोज या पांच डिजिट्स है ना टोस को हम डिजिट्स भी बोल सकते जस्ट

राइट कुछ एनिमल्स में हॉर्न होता है हमारे पास हेयर है नेल्स है ऑल दीज थिंग दीज आर एग्जोस्केलेटन इनके पास कोई एग्जोस्केलेटन नहीं है दे डू नॉट रिक्वायर एन एग्जोस्केलेटन अगर इनका एग्जोस्केलेटन होता ना दे नेवर वुड हैव अलाउड दिस रेस्पिरेशन टू हैपन स्किन मॉइस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स नहीं होता तो उनके नेल्स वगैरह कुछ डेवलप नहीं होता दे डू नॉट हैव एनी क्लॉज नो नेल्स नथिंग ठीक है सिंपल ओके फाइन सो दिस इज अबाउट सम अदर फीचर्स एज यू कैन सी दो आपके प्रेजेंट है ट्रंक में सो एज आई जस्ट सेट द ट्रंक हैज़ दीज लिम्स सो यू कैन सी द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स विच हेल्प्स इन स्विमिंग हेल्प्स इन वॉकिंग लीपिंग बरोइंग है ना ऑल दीज थिंग्स राइट सो मोस्टली वो जम्प स्विम एंड लीप ही करते हैं वॉकिंग बहुत ही कम ठीक है एंड बरोइंग बिकॉज उनको जब एस्टिवेशन समर स्लीप या हाइबरनेशन में जाना होता है तो मिट्टी खोद के अंदर जाते हैं या किसी पेड़ के ट्रंक को खोद के उसके अंदर जाते हैं सो दैट्स वॉट इट हेल्प्स इन बरोइंग एंड ऑल ठीक है द हाइंड लिम्स एंड्स इन फाइव डिजिट ऑलरेडी मैंने बोला है आपको डायग्राम में बता दिया है राइट दे आर लार्जर एंड मच मोर मस्क्युलर जो उनकी हाइंड लिम है वो थोड़ा लार्ज है एज यू कैन अपने डायग्राम में भी थोड़ी देर पहले देखा था यू सॉ इन द डायग्राम एज वेल राइट सो एंड इट इज मच मोर मस्क्यूलर द हाइड लिम इज मच मोर मस्क्यूलर एंड डू यू नो दिस हाइंड लिम मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम इज अ डेलीकेसी इन सर्टन कंट्रीज इन सर्टन एरिया कुछ लोग खाते हैं इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड राइट सो आर्स आई थिंक आई फ्रेंच क्विजीन है एक जिसमें ना वो ये लेग जो है ना इसका स्टू या सूप या इसको ग्रिल करके खाते डेलीकेसी फ्रेंच डेलीकेसी और बहुत सारे अलग कंट्रीज में भी खाया जाता है राइट सो यस जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग्स इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है इन्वामेंट के लिए बेनिफिशियल है वैसे वो फूड चेन में भी आता है हमारे ठीक है राइट right. सो so बिकॉज वो बहुत मस्क्यूलर है डेलीकेीसी हम यूज कर सकते हैं दैन फोर सो एंड मच मोर मस्क्युलर दैन द फोर लिम्स एंड फोर लिम्ब्स एंड इन फोर डिजिट डाइग्राम में भी मैंने बना दिया अगर आपको ऐसे याद रखने में डिफिकल्टी है डाइग्राम से आप आसानी से याद रख सकते हो वहाँ पर मैंने नोट्स भी छोटे छोटे लिख दिए है ओके okay? एंड उनकी जो हाइंड हाइंडलिम है यहाँ पे लिखा है कि फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग एक्चुअली उनकी फेट में ही ना आपको दिखेगी कि उनकी जो हाइंड लिम्ब है दिस वन हियर ये जो हाइंड हाइंडलिम्प आपको दिख रही है दिस हाइंड लिम्ब हियर इज वेब्ड आई थिंक मैं दूसरा कलर यूज करूंगी दैट वुड बी बेटर दिख नहीं रहा ये कलर चलो कोई नहीं ये दिख रहा होगा शायद ये कलर सबको है ना तो मुश्किल नहीं आई थिंक दिख ही रहा होगा ये वेब्ड है आप देख सकते हो यहां पे इट इज वेब्ड तो इस तरह से कुछ स्किन कनेक्शन प्रेजेंट है थोड़ा डार्क कर देती हूं ठीक तो इस तरह से आप देख सकते हो हाइंडलिम उनकी वेब्ड है ठीक है फोर लिम में यूजली फोर लिम में नहीं है एनसीआरटी में तो फीट लिखा है उन्होंने मेंशन नहीं किया यहां मैंने मेंशन कर दिया सो दिस फीट दिस यूजली हेल्प्स इन स्विमिंग सो वेब्ड फीट हेल्प्स इन स्विमिंग इसी से इन्फ्लुएंस होकर तो जो स्विमर्स है प्रोफेशनल स्विमर्स या जो स्विमिंग सीखते हैं वो एक सॉक्स टाइप पहनते हैं ना फु, फुट में जो उसमें पैडल होती है और वो वेब होती है इसी से इन्फ्लुएंस होके वी लर्न दैट कुछ बर्ड्स में भी आपको दिखेगा अपने बतख में डक्स वगैरह में देखा होगा या वाटर एक्वेटिक बर्ड्स में आपने ये चीज़ देखा होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फिथ हेल्प्स इन स्विमिंग अभी पढ़ लिया एंड फ्रॉग एग्जिबिट सेक्शुअल डाइमोफिज्म अब हमें यह जानना है कि सेक्सुअल डायमोरफिजम क्या है सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल डायमोरफिज तो मैं यहां पे छोटा सा लिख देती हूं क्या है सेक्शुअल डायमोरफिजम ओके सी सेक्शुअल डायमोरफिजम इज अ वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल इंडिविजुअल एक्सटर्नली आप बाहर से देख के बता सकते हो या डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा एक मेल फ्रॉग है कौन सा एक फीमेल फ्रॉग है जैसे आपको ह्यूमन बीइंग में भी कुछ यू नो सेक्सुअल डायमोरफिज्म दिखेगा एक्सटर्नल फीचर्स दिखेगा जिससे आप बता सकते हो कि जेंडर क्या है एक मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर नेचुरल केसेस में राइट यू कैन से नॉर्मली यू कैन सी दैट राइट हियर इन दिस केस ऑफ फ्रॉग उसमें भी आपको सेक्शुअल डायमोरफिज्म दिखेगा सो दिस यूजली हेल्प्स इन सर्टन एक्सटर्नल फीचर्स कुछ इंटरनल भी हो सकता है बट वो ऑडिटरी सुनने के लिए बताती हूं मैं एक्सटर्नल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश अ मेल एंड अ फीमेल तो कैसे डिस्टिंग कर सकते हैं हम चलो ले देखते हैं पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेल फ्रॉक का लिख लूंगी कभी भी अगर हम किसी भी मेल इंडिविजुअल को डिस्क्राइब कर रहे वी ऑलवेज यूज अ साइन है ना ये साइन हम हमेशा यूज करते हैं ये सर्कल एंड एरो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे ये साइन कहाँ से आया दे आर डिफरेंट हो सकता है किसी और चीज से भी है। बहुत सारे थियरीज है एक थियरी मैं आपको बताती हूं ठीक है सो मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग तो फीमेल का साइन तो सबको पता ही है ना ऑलरेडी जी फीमेल का साइन ये है एक सर्कल एंड एक एडिशन साइन प्लस साइन ठीक है तो चलो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं देखो थोड़ा सा नो थोड़ा थक गए हो गए इतनी देर से पढ़ रहे हो इतने देर से पढ़ रहे हो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एक, एक इम्पोर्टेंट मतलब एक मजेदार स्टोरी सुनाती हूँ देखो पुराने में ना जब ऐसे ग्रीस में आपको लड़ाई होती थी लड़ाई इन देंस मतलब वो एक आ, उनका एंटरटेनमेंट था उस शेरों के साथ लड़ना गेम्स होते थे छोटे छोटे न, things, या फिर जब किसी और एम्पायर के साथ वो लड़ने जाते थे सो मेन यूज टू बी द फाइटर्स ऑलवेज तो उनके पास एक शेर और एक भाला रहता था शील्ड एंड कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है ना Marvel, अपने में में जो है, 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 उसमें आप उन्हें देखा होगा एक spear है, right? spear, Captain America के पास नहीं है, बट, spear उस जमाने लोग यूज करते थे उनके पास यही वेपन थे तो स्पीयर से दुश्मन को मारना शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना correct? So, यहाँ पे वो शील्ड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग शील्ड भाला स्पीयर ओके okay? तो इससे मेल्स क्योंकि जाते थे फीमेल्स को ये उनका सोचना है कि फीमेल्स लड़ नहीं सकती ऐसा मैं नहीं मानती हूँ एनी वन एनी फीमेल कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट सेम विथ मैन सब जिन्होंने जो ठान लिया अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है आप कुछ भी कर सकते हो एनी वे अ स्टोरी के लिए बता रही हूँ जस्ट फीमेल्स को कैसे डिनोट या रिप्रेजेंट किया जा सकता था कि दे ऑलवेज फोकस ऑन देयर ब्यूटी सो so, वो हमेशा मिरर में अपने आप को निहारना अपने आप को सजाना ठीक है तो इ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मिरर सर्कल और ये जो प्लस साइन है वो हैंडल है मिरर का आपने देखा होगा क्योंकि रोमन में उस टाइम पे ऐसा कि किसी औरत की सुंदरता के लिए लड़ाइयाँ हो जाती थी द बैटल ऑफ ट्रॉय आपने पढ़ा होगा वो हेलेना, बैटल ऑफ ट्रॉय हेलेन एंड वो अखिलेश वगैरह के बारे में आपने सुना होगा पढ़ा होगा स्पार्टन्स एंड ऑल दीज मूवीज वगैरह भी है ना तो आपने अगर पढ़ा है या आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में आप देख सकते हो पढ़ सकते हो ना आपके फ्री टाइम में तो वो उसमें वो एक औरत की सुंदरता के लिए लड़ाई हो गई थी ट्रॉय की तो औरत को सुंदरता या अपनी ब्यूटिफिकेशन में ज्यादा फोकस करना वो मानते थे इसीलिए वो औरत को ऐसे रिप्रेजेंट करते फीमेल को द रिप्रेजेंट विद दिस सर्कल एज अ मिरर एंड दैट प्लस साइन एज द हैंडल ऑफ द मिरर ठीक है इंटरेस्टिंग था ना ये स्टोरी ये एक थियोरी है कि कहाँ से ये दोनों साइन आया है हम हमेशा बायोलॉजी में यूज बॉटनी में भी आप यूज़ करते हो ये चीज आपको इतने सारे पनेट स्क्वायर्स बनाते हुए होंगे है ना आप जेनेटिक्स जब पढ़ोगे तो यही साइन आप हमेशा यूज करोगे है ना चलो तो मेल फ्रॉग में आप सबसे पहले तो देखोगे मेल फ्रॉग थोड़ा स्मॉलर होता है तो ये एक एक्सटर्नल फीचर हो गया साइज में ही छोटा है तो पता चल गया ये तो मेल फ्रॉग है है ना और फीमेल्स आर यूजुअली लार्जर एक दूसरा मेल फ्रॉग में आप क्या देखोगे दैट दे हैव अ मोर डार्कर बॉडी कलर सो हैव डार्कर कलरेशन डार्कर बॉडी कलरेशन बट फीमेल दे आर लाइटर कलर लाइटर कलरेशन ओके लाइटर कलरेशन तीसरा थर्ड डिफरेंस जो आप देखोगे मेल फ्रॉग में दे क्रोक लाउडली ब्रीडिंग सीजन में यू कैन हियर अ फ्रॉग लाउडली सो मैंने आपको बोला ना कि ये एक्सटर्नल फीचर द डिस्टिंग ऑफ मेल एंड अ फीमेल फ्रॉग सो इट डजेंट है कभी कभी वो इंटरनल भी होता है वोकल सैग आपको दिखता थोड़ी है बट आप यू कैन सी द पफिंग ऑफ द बकल कैविटी राइट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड वो आपको ऑडिटरी है सुनाई दे रहा है तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो जब भी आपको आवाज आएगा ना मेढक की ये तो मेल फ्रॉग है बहुत ही कम हार्डली एक दो स्पीशीज ऑफ फीमेल फ्रॉग में वोकल सैग हो सकता है वो भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है दिस रिसर्च गोइंग ऑन ठीक है सो दे यू नो दे एस Vocal sacs right it produces you know uh, they produces you can just write it produces it produces loud croaking during breeding season. क्यों सिर्फ क्यों? ब्रीडिंग सीजन में को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन में उनको हैव टू रिप्रोड्यूस राइट ब्रीडिंग सीजन में हैव टू रिप्रोड्यूस प्रोजीनी छोड़ के जानी है तो फीमेल को इस, इसे कॉप्युलेटरी मेकानिज्म बोलते हैं

करते प्रेजेंट तो है उनमें वोकल सैक हमेशा बट तो ये आवाज मोस्टली ब्रीडिंग सीजन में निकालते हैं फॉर सेक्शुअल फॉर कॉप्यक्शन सो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू एट्रैक्ट फीमेल ठीक है ये मैं लिख नहीं रही हूँ बट है मतलब टू मच ना बट देर आर नो वोकल सैक्स इन फीमेल्स नो वोकल सैक्स इन मोस्ट नेक्स्ट, वेरी टेंट एंड द वेरी लास्ट वन जिससे क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में ये मैं बोल सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेल फ्रॉग्स इन द फोरलिम उनका जो सामने वाला हाथ है ना फोर लिम अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम देखा था ना कहा गया डायग्राम हा ये देखो इनका जो फर्स्ट फिंगर है ये जो फर्स्ट फिंगर आपको दिख रही है इस फर्स्ट फिंगर में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ए वेरी थिक पैड लाइक स्ट्रक्चर कैन यू सी फर्स्ट फिंगर और फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर फोरलिम इट डेवलप्स ए फिंग यू नो अ पैड लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूजली एम्प्लेक्सरी एम्प्लेक्सरी पैड्स या फिर नपशियल पैड्स भी बोलते हैं नपशियल पैड्स भी बोलते हैं सो दे डेवलप दिस नप्शियल पैड देखो यहाँ पे यूजुअली लिखा भी हुआ है सी मेल फ्रॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल फैक्स लिखा है मैंने नोट्स में एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड इस कॉप्यूलटरी पैड को हम एम्प्लेक्शरी पैड भी बोलते हैं ठीक है so, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं लिख रही हूँ तो बहुत ही कॉमन वर्ड है नक्शिल का मत ही ना बच्चों बताए नप्शिल का मतलब पता है क्या होता है मैरिज नक्शल मतलब मैरिज बोल एक मैरिज का एक और सिनोनिम है ये ठीक है so, सो नक्शिल एम्पलेक्सिटी पैड को हम कॉप्य पैड्स भी बोल सकते हो तो यहाँ पे लिख देती हूँ और कॉप्यूलेटरी पैड ताकि आपको दिक्कत ना हो आप समझ जाओ मैम सेम ही बात मीन कर रही हूं यहाँ पे ठीक है एट प्रेजेंट एंड दिस थिंग ओनली डेवलप ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ब्रीडिंग राइट सो देर इज डेवलपमेंट ऑफ आई थिंक ये कलर दिख रहा होगा सबको है ना हाँ हाँ दिख रहा है डेवलपमेंट ऑफ कॉप्यूलेटरी पैड्स ऑन फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ओनली सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही ये होता है क्यों पूछो आप बताओ कि क्यों सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ऐसे क्यों नहीं है इट ऑनली डेवलप्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के वक्त तो उनको क्या करना होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस कॉप्युलेशन सेक्शुअल इंटरकोर्स सो दैट दे कैन लीव अ प्रोजिमी बहाइंड तो ये पैड का क्या काम है चलो वोकल सेक्स तो अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल को बुलाने के लिए राइट सर ऑडिटरी स्टिम्यूली लेकिन इसका क्या काम है ये पैड डेवलप होने से कैसे फीमेल अट्रैक्ट हो सकती है इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका काम यह है कि फीमेल्स के बॉडी में जब आप आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ये जो आपका कॉप्यूलटरी uh, पैड है वॉट इट डस इट हेल्प्स इन प्रेसिंग ये फ्रॉक के सपोज ये फिंगर में एम्प्यूलटरी सॉरी एम्पलेक्सरी पैड है और कॉप्यूलटरी पैड है दे होल्ड द फीमेल स्लिपरी फीमेल को जकड़ के help, मतलब पकड़ने में हेल्प करता है ताकि ताकि वॉट दे डू इज दे प्रेस द फीमेल इन दिस एरिया ये इस एरिया में क्यों इस चेस्ट एरिया में क्यों इसी के नीचे उनके प्रेजेंट होता है ओवीडक ओवरीज राइट सो so, और यू you नो know, ओवरीज़ के एरिया में ऑफकोर्स दे स्टोर देयर और यू से एग्स सो दे प्रेस दिस एरिया ताकि स्टिम्युली से एग रिलीज हो जाए बाहर पानी में किसी प्लांट के पत्ते के ऊपर या मोस्टली पानी में और जैसे वो एग रिलीज करते इमीडिएटली द मेल फ्रॉग विल आल्सो रिलीज फॉर्म्स तो इनकी फर्टिलाइजेशन बाहर ही हो रही है पानी में बाहर ही बाहरी पानी या मोस्टली लीव्स के ऊपर एट्सेट्रा पत्तों के ऊपर सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटर्नल नहीं दे डू नॉट हैव एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन इन इन ह्यूमन बींग्स वी हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन बर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे हैव एक्सटर्नल वो बाहर रिलीज करते हैं अपने गैमेट्स को गैमेट्स बाहर फर्टिलाइज हो रही है ठीक है इनमें नो सच थिंग्स आर प्रेजेंट इन फीमेल no तो यही उनकी सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है सो कॉपिटी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल्स सो फीमेल्स में आपको ये एब्सेंट मिलेगा ये प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है मॉर्फोलॉजी तो हमने पूरा पढ़ लिया एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमने सब देख लिया हेड में क्या है ट्रंक में क्या एक्सेट्रा हैबिट Habit, कुछ हैबिट्स कुछ हैबिटेट्स भी हमने देख लिए नाउ एनेटॉमी एनेटॉमी का मतलब क्या नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल ऑर्गेन्स स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन इसके बारे में हम पढ़ने वाले वाले हैं सो द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इजेस्टिव सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम रेस्पेटरी नर्वस एक्सट्रीम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये तो सारे इंटरनल हो गए ना स्ट्रक्चर तभी एनाटॉमी है ये तो आप पढ़ने वाले हो एम बी बी एस में ये आप ह्यूमन से कंपेयर करके पढ़ोगे ठीक है सो विथ वेल डेवलप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज एनाटोमिकल प्रोसेस एंड एनाटोमिकल सिस्टम्स वन बाई वन ठीक है, स्टार्ट करते धीरे धीरे शुरुआत करते हैं चलो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम हम सबसे पहले यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे सो वेन यू टॉक अबाउट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले तो दर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट It's a complete type of digestive system. Why complete? Because it start, starts with a mouth and it ends with a cloaca. Right? So, here you have sector there is cloaca present, here you have there is presence of mouth, this is esophagus and somewhere here the mouth is present. Okay? So, two openings is a like complete type of digestive system. बिकॉज वी आर कॉलिंग इट एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको सिस्टम बोल रहे हैं मतलब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से तो कई सारे ऑर्गन ने मिला के ये ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है कौन कौन से ऑर्गन आओ बात करते कंजस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंस तो अगर आप एलिमेंट्री कनाल की बात करो इफ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्री कनाल सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंस ठीक है एलिमेंट्री कनाल इस कंपोस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गेन्स कई सारे ऑर्गन्स मिलके एलिमेंट्री कनाल बना है वैसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंस में भी कई सारे ऑर्गेंस है कौन कौन से एलिमेंट्री कनाल में आपको आ जाएगा ऑफकोर्स द माउथ ठीक है दको फेरिंजियल कैविटी बक्को फेरिंजियल कैविटी मीन्स मैंने बकल कैविटी या ओरल कैविटी और फेरिंग्स को साथ में लिया है इनके पास कोई नेक नहीं है ना हमने पढ़ा था ना दैट फ्रॉक्स डू नॉट हैव एनी नेक इट्स एपसेंट इन देम सो so, इनकी कोई अलग से फैरिंग्स अलग से बकल कैविटी तो साथ में है ये दोनों पार्ट एकदम मुंह खोला तो बकल बको बकलोफेजियल कैविटी ठीक है ओरल कैविटी भी इसको बोलते हैं बट बको फेरेंजियल कैविटी प्रॉपर वर्ड है बेटा क्योंकि आप दोनों यूज करो ना बकल कैविटी भी और फेरिंग्स भी उसके बाद बकल बको फेरेंजियल कैविटी लीड्स टू ईसोफेगस आप वहां पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ ईसोफेगस ठीक है so सो ईसोफेगस इसोफेगस, इसोफेगस के ठीक नीचे आपका आ गया स्टमक ईसो लीड्स टू द स्टमक गोस टू चीज देखो बेटा ये जो आपके फ्रॉग्स होते हैं ना एक बार वापस अगर हम हैबिट एंड हैबिटेट में जाए तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ना आपको बाद में दिक्कत ना हो राइट एक मिनट कहाँ गया हैबिट एंड हैबिटैट जी तो इफ यू टॉक अबाउट देयर फीडिंग मोड फीडिंग मोड कि ये खाते क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो खाना कैसे बोल सकते हैं वही तो मेन है ना तो फीडिंग मोड की अगर हम बात करें फीडिंग मोड की अगर हम बात करें फीडिंग मोड दे आर एडल्ट फ्रॉग्स एडल्ट फ्रॉग्स दे आर कार्निबोरस यहां लिखती हूं दे आर कार्निवोर्स है बट वेन यू टॉक अबाउट लार्वल फॉर्म दे आर लार्वे लार्वे इज ऑल्सो कॉल्ड एस दी टैडपोल फ्रॉग तो ऐसे पैदा ही फ्रॉग थोड़ी हो गया था एग था द एग हैज हैच्ड इनटू अ टैडपोल जो उनका लार्वल स्टेज है मेटामॉर्फोसिस में पड़ेंगे एंड द टैडपोल देन बिकम्स अ फ्रॉग एन एडल्ट फ्रॉग में वो कन्वर्ट हो जाता है सो द टैडपोल हियर इज हर्बीवोरस इट्स इट्स अ हर्बीवोर इट्स अ हर्बीवोर मतलब इसकी डाइट में एडल्ट फ्रॉग के डाइट में सारे यू नो इंसेक्ट्स कार्निवोरस है ना तो इंसेक्ट्स वगैरह तो इनकी मेन जो मेजॉरिटी डाइट है वो प्रोटीन और फैटी है ये टैटपोल हर भी है मतलब वो अगर पत्ता एलगे ये सब चीजें खा रहा है उसका मोस्टली अगर ये लीव छोटे छोटे प्लांट वीड्स खा रहे हैं है ना इनकी ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करो जल्दी जल्दी ठीक है देखो दे हैव अ सेल्यूलोस बेस्ड डाइट सो किसी भी एनिमल का जब सेल्यूलोस बेस्ड डाइट होता है दे

Long, <clears throat> hence they require long intestine. ठीक है जैसे आप आपने अगर गाय को देखा है काऊ या जितने भी हर्वी बोर्स है रेबिट काउस गोस या इनका सेलुलोज बेस्ड डाइट है सेलुलोज अ वेरी लार्ज एंड वेरी कॉम्पलेक्स बायोमोलिक्यूल ग्लूकोज के लंबे चेन से बना हुआ है बहुत सारे एकदम लाखों लाखों उसमें ग्लूकोज है और तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, उसका। उसे डाइजेक्ट तो बीटा ग्लूकोज होता है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे मैं ही पढ़ाऊंगी टेंशन मतलब प्रॉपर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाने वाली आपको टेंशन ही नहीं होगा ठीक है ओके okay, बहुत मुझे बहुत पसंद है बायो मॉलिक्यूल्स एंड फिजियोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये देखो सारे टॉपिक्स ही मेरे फेवरेट है जूलॉजी टीचर हूँ बचपन से यही पढ़ती हुई आ रही हूँ उसमें स्पेशलाइजेशन भी किया है बट होता है टीचर्स का एक फेवरेट होता है कि ये तो मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है इसमें पढ़ाने में अलग ही लेवल की मजा आती है वो है मेरे लिए बायो मॉलिक्यूल्स एंड फिजियोलॉजी टेंशन मतलब सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाऊंगे आई कैन प्रॉमिस यू दैट बस साथ में रहो ध्यान से पढ़ो रेस्ट चाहिए तो बोल दो कि मैम थोड़ा सा एक मिनट या दस सेकंड रुक जाइए थोड़ा पानी पी लूँ मैं पक्का करेंगे ठीक है मुझे भी ऑफ ऑफकोर्स पानी वानी पीना होगा है ना ह्यूमन बीइंग है हम सब लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते ओके सो दे रिक्वायर रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग इंटरेस्टाइन बट कारनीस जो है उनको न, उनका मेन प्रोटीन एंड फैट्स है दे डू नॉट नीड द सेलूलोज द कार्बोहाइड्रेट टू डाइजेस्ट उन वो तो नहीं खा रहे सेलूलोज उनका अगर कार्बोहाइड्रेट आया तो बहुत सिंपल कार्बोगलूकोज कुछ छोटे मोटे फ्राक्टोज छोटे मोटे माल्टोज ये टाइसेक्राइड थोड़ा छोटा मोटा ट्राई ट्रेट्रा ऐसे छोटे मोटे सेक्राइड्स वो खा रहे हैं या थोड़ थोड़ा 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 ग्लाइकोजन खा लिया अगर पॉली सेक्राइड है तो मेनली तो इनका डाइट कारनीवोर्स है तो कहाँ से उतना कार्बोहाइड्रेट आएगा मोस्टली प्रोटीन एंड फैट्स है कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत आता है? उतने कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब सेल्यूलोस नहीं है सो दे हैव अ वेरी रिड्यूस्ड इंटेस्टाइन उनको कॉम्प्लेक्स चीजों की डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है तो लॉन्ग इंटेस्टाइन का वो क्या करे छोटा इंटेस्टाइन ठीक है तो कार्निवोरस तो एडल्ट जब वो बन जाते वो कार्निवोरस बन जाते जब वो लार्वल स्टेज में थे तब वो हर्बीवोरस थे तो so, ये एक मॉर्फोलॉजी में मैंने एक और चीज ऐड कर दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी मैंशन है है ना हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे राइट सो द एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट बिकॉज द फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स यहाँ पे हम एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं ठीक है एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आता है क्वेश्चन मैंने भी कुछ क्वेश्चन लेके आई हूं आपके लिए हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलो हम तो एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉग में रिड्यूस्ड है आप देखो दे हैव अ वेरी रिड्यूस्ड इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन देन दे हैव अर्ज इंटेस्टाइन विच इज न रेक्टम ठीक है जो रेक्टम आपको दिख रहा है ऑनली पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है सो दे है लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल जो कि एक, एक ही पार्ट है देट इज रेक्टम एंड देन फाइनली द क्लोका ये क्लोएका क्या है यहां भी मैंने लिखा है माउंट टू क्लोवे कालोए का बेटा ये जो क्लोएका आपको दिखता है यहां पर Cloaca is इस common ओपनिंग फॉर मैं नीचे लिख देती हूँ ठीक है कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जो फीकल मैटर है अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी से निकलेगा बाहर ठीक है तभी तो कंप्लीट डाइजेशन हुआ अनडाइजेस्टेड फूड इसी से बाहर निकलेगा बॉडी के जैसे हमारे पास एनस है इनके पास क्लोहका है तो उससे फूड निकल रहा है अनडाइजेस्टेड ठीक है एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट मीन्स यूरिन एंड गैमीज भी वही से रिलीज हो रही है तो कॉमन ओपनिंग है है ना यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से क्या निकलता है ऑफकोर्स यूरिनो यूज किया तो यूरिन ही होगा ना एंड एग्स तो के 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 निकलेंगे गैमीट्स यूज करू मैं ये कॉमन है कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो शेयर कर रहे हैं बहुत मेल एंड फीमेल जिसमें कोई सेक्सुअल डायमोरसिज्म नहीं है ठीक है या कोई अलग चीजें नहीं है तो हो गया क्लोए का यह पूरा एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है जब हम डाइजेस्टिव ग्लाइंड की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंस में क्या 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 आ गया एक तो लिवर एंड दूसरा पैनक्रियास ओनली आर द ओनली टू ग्लैंड विच आर हेल्पिंग इन डाइजेशन डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंस एंजाइम रिलीज करेगी राइट डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज करेगी कुछ हॉर्मोन जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ठीक है तो इनको सिर्फ यही दोनों लीवर एंड पैनक्रियाजी है जो हेल्प करता है बाकी इनमें सेलेवरी ग्लैंड वगैरह आपको नहीं दिखेगा ठीक है ओके एक गोल ब्लाडर जरूर है बट गोल ब्लैडर डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये कुछ रिलीज नहीं कर रहा है बस स्टोर कर रहा है गोल ब्लैडर क्या करता है इट जस्ट हेल्प्स स्टोरिंग बाइल बाइल को स्टोर करने में ये हेल्प करती है बाइल प्रोड्यूस किसने किया लिवर ने किया राइट लिवर right? से वो गॉल ब्लैडर में आएगा गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा एंड देन उसको रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का, का काम क्या है बाइल का काम क्या है हेल्प करना है डाइजेशन में फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करने का ठीक है फैट ताकि इजीली डाइजेस्ट हो पाया आगे जाके तो एमल्सिफाई करेगी एमल्सिफिकेशन क्या होता है कैसे होता है ये सारे हम पढ़ने वाले बेटा इमल्सिफिकेशन में वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल क्योंकि वो मेनली इंसेक्ट खा रहे हैं ना ये ये जो आपके फ्रॉग है इंसेक्ट कार्निबोरस है तो फैट गया डाइट उनके अंदर तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में वो तोड़ देते हैं इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं ठीक है ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो पाए बड़े मोलिक्यूल को डाइजेस्ट में टाइम लगेगा ना दैट्स वाई एंड बाइल का एक और काम भी है बेटा वो एल्कलाइन कर देती है स्टमक में जो फूड होता है ना बेटा ये स्टमक में से जो फूड आपके इंटेस्टाइन में यहाँ से आया ये बहुत एसिडिक होती है बिकॉज ये काइम बनाता है इट्स अ वेरी स्टमक मोस्टली एसिडिक कंटेंट होता है उसमें एच सी एल एक्सेट्रा ये सब रिलीज होता है स्टमक हेल्प करता है रिलीज इन एच सी एल एन और तो ये बहुत एसिडिक होती है यहाँ का जो कंटेंट है ये एसिडिक कंटेंट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आई ना स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को ये एसिड धीरे धीरे अंदर से यू नो करोसिव नेचर का होता है एच सी एल पता है ना हाथ में गिरे तो हाथ जल जाए तो अंदर क्या होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के पास प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस का थिक तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लेता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये अल्कलाइन बन जाती है कैसे कैसे बन जाती है यही बाइल ये जो बाइल है ना यही हेल्प करता है तो ये जो बाइल है ये हेल्प करता है टू कन्वर्ट एसिडिक कंटेंट इनटू टू एल्कलाइन कंटेंट बाइल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे आगे लिख देती हूं मैं आपको यहाँ पे डाइजेशन में लिख देती हूँ बाइल हैज नो एंजाइम बाइल कोई एंजाइम नहीं बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है बट बाइल सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट या आय सॉल्ट ये क्या करता है दिस सोडियम बाइकार्बोनेट थिंग दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, इट हेल्प्स इन एल्कलाइन इट यू नो इट हेल्प्स इन एल्कलाइन नेचर ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आया है जो डाइजेस्ट होने वाला है उन सबको एल्कलाइन करने में हेल्प एल्कलाइन नेचर होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन करने में हेल्प मिलेगा स्टमक में से तो काइम आया था काइम बहुत एसिडिक होता है ठीक है तो यही चीज लिखा हुआ है द माउथ ओपन इन टू द बकल कैविटी बको फैर कैविटी वहां लिखा था मैंने ठीक है दैट लीड्स टू द थ्रू फेरिंग्स ठीक है तो देखो क्या हुआ यहां पे माउथ आ गया फूड पैसेज है ये माउथ से ओरल कैविटी ओरल कैविटी ओरल कैविटी से फेरिंग्स ये दोनों अलग अलग चीज नहीं दिखता है इन केस ऑफ फ्रॉग क्योंकि उनका नेक नहीं है तो एक साथ एक कैविटी हो गई बको कैविटी इसलिए मैंने वो लिखा था फेरिंग्स के बाद आपका वो सीधा ईसोफेगस ईसोफेगस जाएगा को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है गलत नहीं है ओ ई -E से भी स्टार्ट कर सकते हो ई e से भी स्टार्ट कर सकते हो ठीक है ओ ई -E, या ई -E, कोई दिक्कत नहीं है ईसोफेगस से कहा जाएगा हमने भी थोड़ी देर पहले ही देख लिया स्टमक है ना मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया ऊपर भी लिख दिया था स्टमक स्टमक से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज द रेक्टम यहां पे मैं लिख भी देती हूं छोटा सा रेक्टम एंड देन क्लोएका क्लोएका दिस इज एक्चुअली द फूड पैसेज ये फूड पैसेज है और डायरेक्शन ऑफ फूड ओके okay. पे लिख देती हूँ फूड पैसेज ठीक है फूड पैसेज ये आपकी प्रॉपर है यहाँ पे ये यह छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली चीजों को याद या, याद रख सकते हो और समझ सकते हो ठीक है ओके सो ईसो इज अ वेरी शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक अभी अपने पढ़ा विच इन टर्न कंटिन्यूस एज द इंटेस्टाइन, दैट इज़ दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जजूरम वगैरह आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही पार्ट है वो है रेक्टम ठीक है एंड यहाँ पे हम मैं स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देती हूँ इनको एक्सप्लेन करना चाहिए एनी वे एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाई द क्लोएका क्लोएका क्या था वो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया इट्स अ कॉमन ओपनिंग जहां से फीकल मैटर भी निकल रहा है यूरिन भी निकल पास हो रही है एंड ऑफकोर्स द गैमिट ऑल्सो आर पासिंग तीनों को एक साथ कॉमन ओपनिंग है इसीलिए हम क्लोएका बोल रहे हैं हमारे में अलग अलग ओपनिंग है इन मेल्स मेल ह्यूमन बींग यू हैव अ सेपरेट यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंडरेट एनर्स इन फीमेल सेनालोर्सरेट यूरिनरी अपर्चर फीमेल ह्यूमन बींग में तीन अलग है ठीक है हम वो फिजियोलॉजी में आगे पढ़ेंगे ओके okay, चलो लिवर एक ग्लैंड है ठीक है ग्लैंड नंबर वन एंड ग्लैंड नंबर टू आप यहाँ पे पैनक्रियास में देख सकते हो ठीक है पैनक्रियास

डाइजेस्टिव गोड्यूस पैनक रिलीज करता है यहां पर लिख देती हूँ फैट एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मोस्टली प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइन इनका मेन डाइट तो यही है ना प्रोटीन एंड फैट ही है थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो भी पैंक्रियाज रिलीज कर देता है उनको डाइजेस्ट करने में बट मोस्टली फ्यू फैट एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ठीक है ना अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया उसके पार्ट्स देख लिए अब इसने खाना जो खाया इसने खाने को पकड़ा कैसे हम तो खाना लाते हैं बनाते हैं हाथ से आराम से खा लिया हैरानी मस में तो ऐसा नहीं है ना तो आपके फ्रॉग में क्या होता है मेनली अगर आप देखो तो सपोज ये सपोज फ्रॉग है ठीक है ये सपोज फ्रॉग का स्ट्रक्चर है ठीक है ये छोटा सा बना रही हूं मैं सपोज फ्रॉग है सो दे इंटरनली दे अ टंग एंड दे बाइलोब्ड टांग बाईलोब्ड का मतलब क्या है दे हैव अ इस तरह से टंग प्रेजेंट है आप देख रहे हो बाइलोब्ड है वो बाइलोब्ड का मतलब है जो टंग है ये इस तरह से प्रेजेंट है बड़ा स्ट्रक्चर है, यहां से नीचे ये फ्लोर में अटैच्ड है बकल कैविटी के फ्लोर में अटैच्ड है दिस इज बाइलोब्ड आप देख सकते हो दो लोब है इसलिए बाईलोब टंग बोलते हैं ये बाईलोब्ड टंग जो है दिस थिंग है ना ये बाईलोब आपको दिख रही है दिस बाईल टंग इज एक्चुअली फोल्डेड इस तरह से उनके देखो ऐसे प्रेजेंट है ये सपोज ये बाई लोब है सामने वाला पार्ट ये अटैचमेंट है इस तरह से प्रेजेंट है तो जब इनको पकड़ना होता है किसी प्रे को वो ऐसे अनफोल्ड करके ये जो पार्ट है ये बहुत स्टिकी होता है दिस पार्ट दैट यू सी हियर इट्स वेरी स्टिकी ठीक है इसमें कुछ स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट हो जिससे वो प्रे में कैच हो जाती है प्रे में जाकर चिपक जाती है एंड क्रे को फिर वो वापस लेके अंदर फोल्ड बैक हो जाती है एंड द फूड एंटर्स हियर जो भी उनका ईसोफेगस वगैरह में वो डाल देते हैं उनकी teeth. Teeth उनके माउथ में यूजुअली देर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टीथ टीथ उनके माउथ में है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं माउथ में और टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ यू राइट इन दिस वे ओरल कैविटी द ओरल कैविटी टीथ। तो टंग भी प्रेजेंट है ठीक है टीथ भी प्रेजेंट है बट देर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली अपर जॉ में उनकी टीथ है उनकी लोअर जॉ में कोई टीथ नहीं है उनकी लोअर जॉ मूवेबल है भाई तो भाई अपर जॉ मूवेबल नहीं होती है सो देव मैग्जीलरी टीथ मैग्जीलरी टीथ मैग्जीलाज अपर जॉ ओके मैग्जिला का मतलब ही है अपर जॉ देर इज प्रेजेंस ऑफ जॉ टीथ इन द अपर जॉ तो अगर हमने ये माउथ ले लिया लेट्स इमेजिन पीछे जाते कहाँ गया स्ट्रक्चर अपना फ्रॉक कहाँ गया हाँ ये फ्रॉग तो ये अपर जॉ जो है ना दिस अपर दिस इज लोअर जॉ अपर जॉ में जो टीथ प्रेजेंट है कुछ इस तरह से प्रेजेंट है मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ठीक है राइट तो ये सपोज उनका माउथ है ओपन किया उन्होंने माउथ ठीक है सपोज फ्रॉक का माउथ है मतलब हम सामने से फ्रॉक को देख रहे हैं फ्रॉक ने ऐसे माउथ खोला है ऊपर ये अपर जॉ ये लोअर जॉ ठीक है तो अपर जॉ में कुछ टीथ आपको दिखेगी इस तरह से प्रेजेंट है राइट right? इसको मैग्जिलरी टीथ बोलते हैं दीज आर मैग्जिलरी टीथ ये ही है आपकी मैग्जिलरी टीथ एंड देर आर ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ टू मोर सेट ऑफ टीथ यहाँ पे से हम बोलते हैं वोमेराइन टीथ और ये सारे अपर जॉ में ही प्रेजेंट है लोअर जॉ में आपको ये चीज नहीं दिखेगी दिस पार्ट इज टूथलेस ठीक है टूथलेस ओके चलो टूथलेस uh, मैं ना बहुत एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह देखती हूँ कार्टून मुझे पसंद है तो आपने वो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखा होगा ना वहाँ पे जो उसका ड्रैगन है उसका नाम टूथलेस है बिकॉज की कोई टूथ नहीं है उस ड्रैगन का एनीवे लोअर जॉ में कोई टूथ नहीं है अगर आप देखो तो तो ये जो टीथ है इट इज़ नॉट मैस्टिकेटरी ये चबा हमारी टीथ का, का काम क्या है ये ये सर टूथ नहीं टीथ टीथ प्लूरल हो गया हमारी टीथ का काम क्या है चबाने में हेल्प करता है मैस्टिकेशन में हेल्प करता है ये मैस्टिकेशन में हेल्प नहीं करता है डू नॉट हेल्प इन मैस्टिकेशन तो फिर क्यों है क्या जरूरत है जब ये चबाने में ही हेल्प नहीं करी सब कुछ निगल ही रहे हैं तो क्यों प्रेजेंट है ये प्रेक को इंजर करने में हेल्प करती है ये टीथ बहुत शार्प होती है दिस टीथ दैट यू सी दीज मैग्जिल टीथ नो दैट यू सी दे आर होमोडोंट दैट मीन्स एक ही तरह के टीथ है प्रेजेंट हमारे में अलग अलग है वी हैव अ वी हैव काइन में प्री मोलर मोलर इनका एक ही जैसा है सारे के सारे तो होमोडोंट एंड ये टीथ पॉलीफाइडोंट है दैट मीन्स कितने बार भी गिर जाए ये टीथ या टूट जाए ये दोबारा आ जाती है हमारे में तो दो ही बार आता है डाइफायोड है ना हम लोग इनमें तो बार बार पॉलीफायोड एंड इट्स एक्रोडॉन्ट ये टीथ इसीलिए बार बार गिर जाती है क्योंकि ये हमारी तरह सॉकेट के अंदर एम्बेड नहीं है अगर आप ह्यूमन टूथ देखो वो एम्बेड है सॉकेट के अंदर इनका नहीं है ठीक है इनके जो टीथ होते हैं ये बस एज से चिपके हुए होते हैं इसीलिए इसको हम लोग एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं ओके एक्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ भी हम इसे बोल सकते हैं सो दे डू नॉट हेल्प इन मैस्टिकेशन बट दे हेल्प इन कैप्चरिंग एंड इंजरिंग कैप्चरिंग एंड प्रे जिस जिस भी इंसेक्ट को कोई भी एनिमल को जिसको खा रहा है वो फ्रॉग उसे इंजरी करने में या पकड़ने में हेल्प करता है दैट्स वन ठीक है ओके okay, चलो आगे बढ़ते फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक लिखा था मैंने डायग्राम में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो बची खुची फूड है जो थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हुई है स्टमक में तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है राइट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दैट इज कॉल्ड एज द काम इज पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द ड्यूर्डनम ठीक है ये जो काइम है इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर इसी को एल्कलाइन करने के लिए हमारे पास बाइल है ठीक है द डिओडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लॉडर ये बस स्टोर कर रहा है It only stores, बनाता नहीं है। है? है को बना कौन रहा है? है ना? भी आपके small intestine में आती फ्रॉम पैनक्रियास ठीक है एंड फ्रॉम पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट ठीक है तो लिवर से आया पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस लिवर से आया लिवर से आया बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर से वो बाइल फिर कहाँ आके जॉय मिलेगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सो पैनक्रियाटिक जूस एंड गॉल ब्लाडर से बाइल इज एंटरिंग इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन द ड्यूडनम पार्ट वाया कॉमन बाइल डक्ट दैट्स सर ये हम लोग आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे ठीक है बाइल एमल्सिफाइज द फैट मैन एमल्सिफिकेशन का मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया है पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन अभी मैंने बताया था स्टमक में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट इज प्रेजेंट इन द काइम कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे बाकी सारे डाइजेस्टिव जूसेस एंड बाइल है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है सो फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन Digested food is absorbed by the numerous single like projection or fold present in the inner wall of the intestine called as villi. So, if you see the structure, then see, see here, this is your esophagus tha. and then it enters into the stomach and then it enters into the small intestine. Small intestine has a rectum.

ठीक है दिस इज गॉल ब्लाडर गॉल ब्लाडर सो बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस कम्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द डिओडेनम ये डिओडनम है यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपका करेक्ट एंड देन यहां से कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद बाकी अनडाइजेस्टेड फूड विल एंटर हियर यहाँ पे क्या एंटर हुआ आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकल जाना है अनडाइजेस्टेड फूड विल एंटर इन टू द रेक्टम जिसको हम फीकल मैटर या फीसीज भी बोल सकते हैं ठीक है एंड यहां पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपके धीरे धीरे इस वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रेंट सॉरी हाँ दिस वॉल अगर हम इस वॉल को छोटा सा इस तरह से काट के देख ले इफ यू सी दिस पार्ट हियर एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू में बना के आपको शो कर देती हूँ, ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो इस पार्ट को <coughs> इस तरह से द सेल्स आर प्रेजेंट तरह modification? Modification इस, इस तरह से आपको एपिथिलियल सेल्स दिखेगा एंड दीज आर द विलाई दैट आर प्रेजेंट इन सी द मॉडिफिकेशन आपको मॉडिफिकेशन दिख रही है पूरे आपके ड्यूडिनम के अंदर जेजिनम के अंदर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइम में इसी ये विलाई का फंक्शन क्या है अगर एक नॉर्मल सेल है ये ठीक है और इसका मॉडिफिकेशन हुआ है विलाई में सो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ये हम आगे भी पढ़ने वाले मोर सर्फेस एरिया मोर एब्जॉर्बन ऑफ फूड ठीक है इसीलिए न्यूट्रिएंट आसानी से इनको ज्यादा देखो ऐसा सेल था सरफेस एरिया कम था यहाँ पे यहां देखो कितनी सरफेस एरिया हो गई हर जगह से फूड अब इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा ठीक है चल कहा गया वो पार्ट हां जी विलाई एंड माइक्रोविलाई ओके विलाई इज द फोल्डिंग ऑफ द वॉल इस तरह से ये फोल्डेड है अगर आप देखो सी ये फोल्डेड है तो विलाई एंड माइक्रोविलाई इज द नथिंग बट योर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल तो यहां पे जो ये हुआ है दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल दैट इज माइक्रोविलाई विलाई इज द फोल्डिंग ये सपोज आपका ये इस तरह से सेल्स प्रेजेंट थे माइक्रोविलाई वाले सेल्स प्रेजेंट थे ठीक है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था नाउ ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड हो गया है सेल्स भी अपना अपने आप फोल्ड हो गए यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है तो दिस इज माइक्रोविलाई

टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जो है फ्रॉग में वो देखो तीन तरीके से फ्रॉग में होता है एंड जो टैटपोल होता है उसमें दो तरीके से तो चलो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कैन बी वाया गिल्स बट ओनली इन टैटपोल ऑनली इन टैटपोल्स वो पानी में होते हैं सो दे हैव एक्सटर्नल गिल्स एंड इन टैटपोल्स यू कैन सी दिथ गिल्स रेस्पिरेशन इट कैन ऑल्सो हैपन वाया स्किन जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैन हैपन इन बोथ एडल्ट फ्रॉग एंड टैटपोल ठीक है एडल्ट फ्रॉग एंड टैटपोल वॉटर टैटपोल तो हमेशा वॉटर में ही रहता है बट फ्रॉक कभी कभी जब जब वॉटर में जाता है या जब एस्टिवेशन में है हाइब्रडनेशन में तब क्यूटे होगा वेन इन वॉटर और ड्यूरिंग समर एंड विंटर स्लीप दैट मीन्स डॉर्मेन पीरियड ओके और विंटर स्लीप ठीक है नेक्स्ट बको फेरिंजियल रेस्पिरेशन बको फेरिंजियल रेस्पिरेशन बको फेर बकल कैविटी के थ्रू दिस इज ऑनली इन फ्रॉग वेन दे आर इन लैंड यह टैटपोल में नहीं दिखेगा ओनली इन फ्रॉग, ओके एडल्ट फ्रॉग, वेन ऑन लैंड ठीक है ये थोड़ा तो डिवाइड कर देते इस पार्ट को इसका पार्ट है ठीक है ताकि गड़बड़ ना हो चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट जो है दैट इज पल्मोनरी जैसे हम करते हैं लंग्स के थ्रू वैसे पल्मोनरी ओके okay. और वाया लंग्स ये भी ऑनली इन एडल्ट फ्रॉक वेन ऑन लैंड ओनली इन एडल्ट फ्रॉग वेन ऑन लैंड ठीक है इस तरह से चार तरह का रेस्पिरेशन आप देख सकते हो दे रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बोथ बाई टू डिफरेंट मेथड्स इन वॉटर बाय स्किन एज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ठीक है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वॉटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन स्किन से ही वाटर से आपके जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है स्किन के थ्रू एंटर कर सकते स्किन बहुत थिन है मॉइस्ट है ठीक है बाय डिफ्यूजन ऑब्वियसली सिंपल डिफ्यूजन कोई एनर्जी का इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है तभी जब वो एस्टिवेशन एंड समर स्लीप कर रहे हैं इसके थ्रू वो कर सकते हैं ऑन लैंड द बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो मैंने आपको बता ही दिया स्किन बकल कैविटी या लंग तीनों ही हेल्प कर सकते हैं ठीक है आपको चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा है द लग पेयर ऑफ इलांगेटेड पिंक कलर्ड सैकलाइक स्ट्रक्चर आपने पिछले डायग्राम में देखा था राइट दैकलाइक स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स हिस्टर यू कैन सी पिंक सैकलाइक स्ट्रक्चर बोथ द लंग्स ओकेट्स मूव ऑन राइट प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक बताया था ना कि ट्रंक को हम थोरैक्स और एबडोम में डिवाइड करते हैं इंटरनली तो थोरैक्स में प्रेजेंट है राइट थोरैक्स में प्रेजेंट है एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल इन टू द बकल कैविटी एंड देन टू लंगस ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑनली थ्रू स्किन बताया था ठीक है क्योंकि एनर्जी की जरूरत नहीं है स्किन में ऑटोमेटिकली हो रहा है सिंपल डिफ्यूशन ठीक है ओके सो so, बकल कैविटी या लंग्स में एंटर कर सकता है एयर बाहर से बकल कैविटी में एंटर किया बाकोफाइडेंजियल लंग्स में किया पल्मोनरी ठीक है

चलो वैस्क्यूलर सिस्टम मतलब वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है हम यहाँ पे सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं ओके सर्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेरी वेल डेवलप्ड ऑफ़ कोर्स एम्फीबिया है आगे के क्लास में है वो एंड इट इज क्लोज टाइप ऑफ़ कोर्स क्लोज टाइप हम किसको बोलते हैं जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में अगर क्या अगर कैपिलरीज नहीं है डायरेक्टली ब्लड आर्टरी से आते हुए में गिर रहा है इन द ब्लड जो है वो ब्लड में नहा ले रहा है देन इट इज ओपन टाइप क्योंकि कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है बट इनके केस में या हमारे केस में क्या होता है कैपिलरीज के अंदर से ब्लड जा रहा है ऑर्गन कैपिलरी के बाहर प्रेजेंट है तो ऑर्गेन के साथ ब्लड का टच नहीं हो रहा है न्यूट्रिय वाइया डिफ्यूजन कैपिलरी वॉल से ऑर्गन में न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ठीक है तो क्लोज टाइप हो गया हार्ट ऑफकोर्स द ब्लड वेसल्स ब्लड सेल्स लिम्फेटिक वेसल सब मिला के ऑर्गन सिस्टम है है ना सो द ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम इनवॉल्व हार्ट ब्लड वेसल एंड ब्लड ठीक है टिक सिस्टम में आप क्या देखोगे लिंफैटिक सिस्टम में यू विल फाइंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ लिम्फ वेसल्स, डक्ट, ठीक है एंड ऑफ द लिम्फ फ्लूटिक सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द लिम्फ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। यहां मैं लिख देती हूं ठीक है लिम्फ हैज नो आर बी सी आर सी बी लिख रही थी मैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चलो आरबीसी हैव नो आर बी सी एंड नो लार्ज प्रोटीन और लार्जर प्रोटीन ठीक है ब्लड में ऑफकोर्स यू विल सी ब्लड वैसिस्टम हैज हार्ट ब्लड मेसेज एंड द ब्लड ब्लड हैज आरबीसी इट हैज डब्ल्यू बी सीज इट लिंफोसाइज इट्स लिंफोसाइड इज अ डब्ल्यू बी सी ऑफकोर्स राइट एंड हार्ट इज अस्क्यूलर स्ट्रक्चर रिमेंबर हार्ट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और इनका जो हार्ट है वो माओजेनिक है मायोजेनिक okay? ठीक है मायोजेनिक माओजेनिक का मतलब क्या है हार्ट मसल इट्स सेल्फ जेनरेट इम्पल्स हार्ट की जो बीटिंग है कॉन्ट्रेक्शन वो कोई न्यूरोन नहीं कर रहा है हार्ट मसल खुद ऑटो एक्साइटेबल है राइट सो दार्ट मसल्स हार्ट मसल्स स्पेशली द मसल्स प्रेजेंट इन साइनस वेनोसस। हम पढ़ेंगे साइनस वेनोसस क्या है आगे अभी पढ़ने वाले हैं साइनस वेनोसस इज ऑटो एक्साइटेबल दे कैन जेनरेट इम्पल्स वो इम्पल्स जेनरेट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी इन इम्पल्स जनरेट कर सकते जिससे हार्ट की बीटिंग हो सकती है इनकी हार्ट बीट सिक्सटी नाइन बीट्स पर मिनिट होता है हार्ट बीट इज 69 टाइम्स और 69 बीट्स पर मिनट भी आप बोल सकते हो 69 बीट्स पर मिनट होता है यूजुअली आगे पढ़ेंगे हम वो फाइन एंड जो हार्ट है द हार्ट इज कंपोस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट चेंबर्स अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें थ्री चेंबर्स आपको हार्ट की दिखेगी दिस इज द right atrium, this is the left atrium and the ventricle. So we have the right atrium, left atrium and the ventricle single ventricle. So three chambered heart hoge inka taken and they also show so so sorry. Let's write here Frogs exhibit incomplete double circulation. मोस्टली सारे एम्फीबियंस ही इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है क्या मतलब है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का लेट्स टॉक अबाउट इट बहुत आसान सा चीज है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में आप ये देखते हो कि ये हार्ट है थोड़ा नीचे बनाते हो ये सपोज हार्ट है है ना ये बॉडी है एंड यहां लंग्स है ये तीन ऑर्गन मेनली पार्टिसिपेट करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में तो आपके बॉडी से बॉडी से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है डी ब्लड जो है वो हार्ट में गई हार्ट ने उससे क्या किया उस पर्टिकुलर ब्लड को लंग्स में भेजा ठीक है लंग्स में भेजा फॉर ऑक्सीजनेशन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आई हार्ट में और हार्ट से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई बॉडी में लेकिन एक चीज देखो यहां पे ब्लड इज गोइंग पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस दो बार हार्ट से गुजर रही है ब्लड एक बार बॉडी से आ रही है हार्ट में एक बार लंग्स से आ रही है दो बार आ रही है ना तो यहां पे आपके डी ब्लड आता है ओके okay? यहां पे डी ब्लड आ रही है यहां पे मैं डी ऑक्सी लिख रही हूं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है ठीक right? right है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है पल्मोनरी वेन्स से मैं बताऊंगी वो सारी चीजें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है यही ब्लड यहाँ जा रही है तो दो बार हार्ट में ब्लड आ रहा है सो दैट्स वाई डबल बट इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे यहाँ पे ब्लड मिक्स हो रही है ना डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजिनेटेड बोथ द ब्लड आर गेटिंग मिक्सड हियर तो मिक्सड ब्लड आ गया इनकम्प्लीट डबल सर्क्यूलेशन डबल तो है दो बार हार्ट में जैसे हमारे में होता है बट इनकम्प्लीट है यही मिक्सड ब्लड जो है राइट दिस मिक्सड ब्लड हियर चलो इसको ग्रीन से एक्सप्लेन करते हैं दिस मिक्सड ब्लड हियर दिस ब्लड इज मूव टू द बॉडी ये बॉडी में जारी है टू बॉडी किसके वाया दिस थिंग इज़ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रंटेस तो कोनस आर्टेस भी बोलते हैं फ्रॉग में हम इसे ट्रंकस आर्टेस बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर जो ब्लड डिऑक्सीटेटेड ब्लड को बॉडी से ला रहा है दिस इज फ्रॉम बॉडी बॉडी से जो ला रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइनस वेनोस याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था साइनस दिस साइनस विनोसस इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट ये ऑटो एक्साइटेबल है साइनस विनोसस जो है इनका दिस इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट इसकी मसल ऑटो एक्साइटेबल है इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग एंड हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फ्रॉग्स हार्ट ठीक है राइट दिस स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से ला रही है देर आर टू वेन्स जो लंग से लाती है दिस इज कॉल्ड एस पलमोनरी वेन हमारे पास भी ये चीज प्रेजेंट है सो इनकम्प्लीट डबल सर्क्युलेशन क्यों बोला ये समझ में आया आपको ठीक है यहां पे सेम ये तो मैंने सिंपल वे में आपको स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ठीक है यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड इट यू कैन सी द साइनस हियर, दिस इज द साइनस विनोसस ये आपका साइनस विनोसस है ओके साइनस विनोसिस लार्ज ट्राइंगुलर शेप प्री केबल पोस्ट केबल इतना आपके एनसीआर में नहीं है बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये स्ट्रक्चर लगाया है ताकि आपको समझ में आए प्री केबल पोस्ट केबल ये ऊपर के बॉडी से सारी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को लाके के राइट एट्रियम में डाल रही है राइट और नीचे के बॉडी से भी पोस्ट केबल वेन ला के राइट एट्रियम में डाली तो पूरे बॉडी से आना है ना ब्लड को हार्ट तो यहाँ प्रेजेंट है नीचे बॉडी ऊपर बॉडी पार्ट से आना है ब्लड फिर वही ब्लड गया वेंट्रिकल्स में यहाँ आपके लंग्स में से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी गया वेंट्रिकल में वेंट्रिकल वो मिक्स्ड ब्लड को ही बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जाता है उसमें से ये लंग्स में भी लेके जा रहा है वहीं पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है वही ब्लड वापस यहाँ आ रहा है ठीक है सो यू कैन सी दैट द हार्ट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर फीचर इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सप्लेनेशन हो गया है एक बार पढ़ लेते हैं एनसीआर क्या बोल रहा है ऑफ द बॉडी कैविटी इट हैज थ्री चेम्बर्स टू एट्रिया वन वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाई अम्ब्रेन कॉल्ड एस पेरी कार्डियम ये पेरिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, है ना एपीफिलियल टिश्यू भी आपके हार्ट में प्रेजेंट है मस्क्युलर भी है न्यूरल भी है मैंने बोला चारों टिश्यूज प्रेजेंट है अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एस द साइनस विनोस ज्वाइंट द राइट्रियम बताया एक्सप्लेन किया डायग्राम भी देखा हमने ठीक है इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वीना केवास्ट केबल दो प्री केबल पोस्ट केवल ऊपर के पार्ट से प्रीकेबल नीचे से पोस्ट केबल लेके आ रहा है ब्लड ठीक है द वेंट्रिकल ओपन इन टू अक लाइक कोनस आर्टेरियोस ट्रंकस आर्टेर अभी मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसी का ही दूसरा नाम है कोनस आर्टेरियोस अभी बताया था लिख भी देती हूं और कोनस आर्टेरियोसस देखो विनोसस जो वर्ड है वो वेन वेन यहां पे डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है आर्टेरियोसस हालांकि इसे ऑक्सीजनेटेड करना चाहिए जो हमारे में होता है यूजुअली ऑक्सीनेटेड करना चाहिए जो हमारे में होता है बट इन दिस केस

मिक्सड ब्लड लेके और बहुत सारे आर्टरीज के ब्रांचेस बने यहाँ वहाँ हर जगह पे उसने वो ब्लड सप्लाई कर दिया पूरे बॉडी पार्ट में जो यूजुअली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है हमारे में भी वही है बट हमारे में जो ब्लड कैरी करता है दिस तो एओटा वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वेंट्रिकल से है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से चलो हमारा तो अलग ही सिस्टम है टेंशन मतलब पढ़ेंगे आगे The veins collect blood from different parts of the body to the heart and from the uh, so and from the form the venous system. हमेशा याद रखना कि heart से general cases में जो blood को लेके जा रहा है वो arteries होती हैं और जो blood को लेके आ रहा है vein heart के पास वो veins होती हैं. सिर्फ एक दो difference है. Pulmonary vein वो लेके आ रहा है हार्ट के पास ब्लड को ये दो एक्सेप्शन है एंड इन दिस हमारे केस में वी ऑल्सो हैव एन आर्टरी विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एटा सॉरी वो तो आर्टरीज में आ ही गया ठीक है तो वेन्स लेके आ रहा है एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम सॉरी इट ब्रिंग्स द ब्लड टूअर्ड्स द हार्ट राइट पल्मोनरी सॉरी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज हम हमने जो पढ़ा सिस्टमिक आर्टरीज ये हम और आगे पढ़ने वाले ह्यूम के स्ट्रक्चर में फ्रॉग में नहीं है फ्रॉग में आप वो चीज़ नहीं देखोगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन इट इज द ओनली वेन विच इज वट आर दे डूइंग द पल्मोनरी वेन आर कैरिंग ब्लड बट इट इज कैरिंग वॉट टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने क्या पढ़ा है कि वेन हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है बट इन दिस केस इन हमारे केस में पलमरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट तो हार्ट के पास लेके आया इसीलिए वेन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेन और आर्टरीज का आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके जाती है हार्ट से दूर एंड वेन हमेशा ब्लड को हार्ट के पास लेके आता है ठीक है तो ये हो गया आपके सर्क्यूलेटरी सिस्टम का ये स्ट्रक्चर भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया एक स्पेशल वेनस कनेक्शन भी प्रेजेंट है कनेक्शन किसके किसके बीच में है? इंटेस्टाइन लिवर और इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट देखो आपके हार्ट से ब्लड आया राइट और ये ब्लड गया आपके स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में ठीक है चलो यहाँ पे सिर्फ इंटेस्टाइन लिखा है तो मैं इंटेस्टाइन लिखती हूँ स्टमक वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे चलो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन इन दिस केस अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये ब्लड डीऑक्सीजिनेट होकर वापस हार्ट के पास जाना चाहिए था ना नेचुरली यही होता है लेकिन नहीं यहाँ पे ये कौन ले आया था दिस वॉज आर्टरी वॉज कैरिंग दिस ब्लड है ना आर्टरी कैरी कर रहा था इस ब्लड को आर्टरी वॉज कैरिंग दिस ब्लड ओके आर्टेरियल ब्लड लिखते थे इसको चलो आर टेरियल ब्लड ओके इंटेस्टाइन में आया अब इंटेस्टाइन से यूजुअली एक वीनस ब्लड सपोज टू गो टू हार्ट ताकि हार्ट में फिर से उस ब्लड वीनस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाए क्योंकि डी था लेकिन ये वीनस ब्लड वापस हार्ट में ना जाके इट विल गो टू लिवर क्यों सब पढ़ेंगे ह्यूमन बींग जब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी इट विल गो टू द लिवर वेन इट गोज कनेक्शन हुआ ना किसके किसके बीच में वीनस कनेक्शन बिटवीन द द लिवर एंड इंटेस्टाइन दिस इज अब लिवर से फिर वो ब्लड वापस हार्ट में जाएगी ठीक है यहां पे एक और वीनस सिस्टम एक और वीनस ब्लड जाएगी सो दिस वेन वीनस सिस्टम इज कॉल्ड एज पोर्टल पोर्टल बिटवीन टू ऑर्गेन्स उसमें से हार्ट नहीं है यूजअली पोर्टल बिटवीन हार्ट एंड एन ऑर्गन यहाँ पे देखो दो ऑर्गेन है दोनों में से कोई हार्ट नहीं है सो दिस इज अ पोर्टल वीनस सिस्टम हम इस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं क्योंकि लिवर है इसमें ऐसे ही किडनी और लोअर बॉडी के पार्ट में भी है दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम हिपैटिक क्योंकि लिवर है रीनल क्योंकि किडनी है हमारे में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है सिर्फ हिपैटिक सिस्टम है इस हेपैटिक पोर्टल सिस्टम का एक मेजर फंक्शन है ये वीनस ब्लड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में इसीलिए ले जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है आपके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हुए ना ब्लड में वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हार्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता उससे पहले लिवर में जाना है सपोज ग्लूकोज है उस ब्लड में ग्लाइकोजन बनना है उसे लिवर में उसमें टाइमाइनो एसिड है प्रोटीन बनना है ठीक है तो लीवर ये सारा काम करता है प्रोटीन फॉर्मेशन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन डी एमिनो एमिनेशन ऑल दीज प्रोसेस प्लस जो भी आपने खाया उसमें जो भी टॉक्सिक पार्टिकल भी अगर गया है खाने के साथ बहुत टॉक्सिक चीजें भी तो लेते हैं ना को इतना फ्रेश चीजें तो आजकल मिलती नहीं है वो डिटॉक्सीफिकेशन भी लीवर को करना होता है तो लीवर इसीलिए यहाँ सारे ब्लड लेता है सब कुछ प्यूरीफाई करके सारे न्यूट्रिय लेके फिर ब्लड को हार्ट में भेजता है इसीलिए पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पे दिखता है ठीक है राइट सो so, ये लिवर वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज यूजली द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड दिस इज द रीनल पोर्टल सिस्टम सो यहां पे मैं लिख देती हूं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ओके एंड यहां पे आपका रीनल पोर्टल सिस्टम ठीक है लोअर पार्ट्स और किडनी के बीच में द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपैटिक ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड द लैटर इज कॉल्ड दूसरा वाला जो लास्ट वाला हैोटो सिस्टम द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स प्लाज्मा में आपको प्रोटीन्स कुछ न्यूट्रिय वगैरह दिखता है प्लाज्मा में यू कैन सी सर्टन एंटीबॉडीज एज वेल सीरम में सीरम इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा बाई दिन ब्लड सेल्स क्या क्या है आरबीसी है ऑफकोर्स अभी तो रेड ब्लड सेल्स है आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबीन प्रेजेंट है एज अ पिगमेंट दैट्स वाई रेड ब्लड सेल देर रेड ब्लड सेल्स these erythrocytes they are usually biconvex and they are nucleated okay so you can see red blood cells that is erythrocytes okay wbc erythrocytes is other name of red blood cells wbc ka dusra rame, leukocytes and platelets present and their rbc is nucleated okay it's a very special feature in case of human being inucleated non-nucleated आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह मिले आरबीसी को टू होल्ड हीमोग्लोबिन अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर तो जगह कम पड़ गई ना तो हमारे में बहुत एफिशिएंट ब्रीदिंग की जरूरत है दैट्स वाई टू होल्ड मोर एंड मोर ऑक्सीजन वी नीड मोर हीमोग्लोबिन स्पेस एंड मोर स्पेस के लिए हमने न्यूक्लियस को हटा दिया जैसे मेच्योर बनती है हमारी आरबीसी हिमोग्लोबिन आरबी न्यूक्लियस चला जाता है डिजोल्व हो जाता है इन देयर केस दे हैव देव न्यूक्लियस ठीक है इनके पास बहुत रेस्पिरेटरी मेथड है हमारे पास स्किन बकल कैविटी ये सब नहीं है इनके पास है तो इनके बहुत अलग अलग जगहों से ओटू आ रहा है तो इतना टेंशन नहीं है इनको सो इट इज न्यूक्लिएटेड ठीक है ये बात याद रखना एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट विच इज नेमली कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज द ब्लड पिगमेंट ओके ये हीमोग्लोबिन ही है जो ओटू को कैरी करता है ओके द लिम्फ ट फ्रॉम ब्लड मैंने आपको बताया कि लिम्स में आरबीसी लार्ज प्रोटीन्स नहीं होता है इट लैक्सू प्रोटीन एन आरबीसी मतलब O2 and CO2 की बात कर रहे हैं न्यूट्रिय मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज वी आर टॉकिंग अबाउट अमाइनो एसिड ओके वी आर टॉकिंग अबाउट लिपिड्स एट्सेट्रा एंड मेनी मेनी मोर ओके एटसेट्रा मेनी मेनी मोर एंड वॉटर टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्क्यूलेशन रेस्पेक्टिव साइड अलग अलग सेल्स के पास द सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाई पंपिंग एक्शन ऑफ द मास्क्यूलर हार्ट एज एट देयर हार्ट इज माओजेनिक इट इज ऑटो एक्साइटेबल एंड द पेस मेकर ऑफ देयर हार्ट इज साइनस विनोस हमारा पेस मेकर ऊपर है ऐसे नोड है साइनो एक्ट्रियल नोड राइट इनमें पेस मेकर साइनस वो हार्ट का ही पार्ट है

इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट दिखेगी ये किडनीज के ठीक सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है दिज आर एड्रिनल ग्लैंड ओके यहाँ पे फैट बॉडीज भी प्रेजेंट है तो मैं ये लिख देती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड है ना ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड किडनी से निकलते है कुछ यूरेटर ओके यूरेटर विच इज कैरिंग द यूरिन this is the ureter ureter let me write it here ureter okay and the ureter opens into the cloaca okay this is the cloaca ओके okay, रेक्टम यह है यहां पे आपको पता है कि ये रेक्टम है रेक्टम के बाद रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फिर क्लोए का आता है राइट सो दीज आर द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर यहां पे लिख देती हूं ओपनिंग ऑफ यूरेटर दिस इज द क्लोएकल अपर्चर ये ओपनिंग हो गई क्लोएकल अपर्चर जहाँ से यूरिन रिलीज होती है क्लोएकल अपर्चर थोड़ा सा ना ये नीचे लिखती हूँ मोमेंट थोड़ा आई नीड सम स्पेस इसीलिए डोंट वरी कुछ टेंशन नहीं है कोई अलग चीज कुछ भी नहीं है थोड़ा सा स्पेस जगह चाहिए क्लोएकल अपर्चर एंड दिस इज क्लोएका यूरिनरी ब्लाडर सो यूरिन में यूरिन विल कम एंड विल गेट कलेक्टेड यहाँ से आपके यहाँ से यूरिन आया देखो या किडनी विल प्रोड्यूस द यूरिन दे आर यूरियोटेलिक बाई द वे दीज ऑर्गेनिज्मिक ये यूरिया रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्यूटरी नाइट्रोजनस वेस्ट ठीक है हमारी हम भी यूरियोटेलिक है यहाँ से यूरिन आया ठीक है द यूरिन विल गेट रिलीज इन द क्लोएकल एरिया इट विल गेट स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लाडर जब जब रिलीज करना होगा यहाँ से यूरिनरी ब्लाडर से आगे द यूरिन विल गेट रिलीज फ्रॉम द क्लोएकल अपर्चर ठीक है सेम चीज लिखा है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी एक्सक्यूटरी ऑर्गन सिस्टम है कौन कौन से ऑर्गन है एंड यूरिनरी ब्लैडर सारे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है हमने यहाँ पे किडनीज भी देख लिया हमने यहाँ पे यूरेटर्स भी देख लिया यूरिनरी ब्लैडर एक ही है और हमने यहाँ पे क्लोएका जो है सॉरी क्लोएका जो है वो भी दे दी जाओ राइट right? ये चारों ऑर्गन मिलके एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर कौन? किडनी सिचुएटेड लिटिल पोस्टरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम आपकी भी किडनी पोस्टेरियरली ही प्रेजेंट है राइट पोस्टेरियर साइड पे यहां पे आपकी किडनी प्रेजेंट है पीछे ओके okay?

male frog the ureters act as urino duct which which opens into the cloaca, right? so इनका जो ureter है, in case of males, in case of male frog it act as a urino duct. तो मैंने मेल का साइन यहाँ पे लिख दिया है. फीमेल में थोड़ा अलग है, वो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं. in female, the ureters and ovary duct opened separately in the cloaca. तो अगर ये क्लोएका है ये रेक्टम हुआ एंड देन यहां पे क्लोएका है ओके, सो इन क्लोएका यू सी ऑफ कोर्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से यूरिनरी यूरेटर आ रहा है दिस इज किडनी इन केस ऑफ फीमेल मैं एक साइड में दिखा रही हूं दिस इज यूरेटर राइट समवेर हियर डक्ट भी उनका प्रेजेंट है ये हो गया। दोनों साइड में प्रेजेंट है नॉट on मैं बस एक एक साइड में बता रही हूं so, तीन अलग अलग ओपनिंग है ओपन सब क्लोएका में ही हो रहे हैं And then from भी रिलीज हो रही है गैमेज भी रिलीज हो रही है ठीक है द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लाडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम तो यहाँ पे इनका भी यूरिनरी ब्लाडर प्रेजेंट है

Excretory wastes are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. Konsa excretory waste? यही Ammonia अमोनिया इसका excretory waste. जैसे carbon dioxide excretory waste है ना? हमारी respiration का excretory waste है वो वैसे ही. आपका जो byproduct जो बना है excretory waste body में वो अमोनिया है. It is released in the form of urea. यार ureotelic. It requires a little bit of water. है ना अमोनिया के लिए बहुत वाटर की जरूरत है इसलिए फिशेस में मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आपको अमोन, अमोनोटोलिक मिलेगा वैसे का वैसा ही वो निकाल देते हैं विथ लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज वो एक्वेटिक एनिमल्स है हमारे में या फ्रॉग जो है वो हमेशा वाटर में नहीं रहता है दे सेव सम वाटर इन देयर बॉडी उनको एस्टिवेशन एंड समर स्लीप के टाइम पे तो चाहिए ना विंटर स्लीपे के टाइम पे चाहिए तो उतना वाटर लॉस वो नहीं अफोर्ड कर सकते दैट्स वाई यूरिया यूरिया के लिए कम वाटर की ज़रूरत है यूरिया को टलिक में तो बहुत ही कम जरूरत है ठीक है सो दिस इज अबाउट नथिंग बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरल सिस्टम एंड द हॉर्मोन द एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ये एक्स्यूटरी सिस्टम हो गया ना विल टॉक अबाउट यू नो वर यू से न्यूरल सिस्टम एंड द हॉर्मोन सिस्टम ये भी दोनों आपकी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल सिस्टम की भी बहुत जरूरत है बॉडी के लिए सो लेट्स सी हियर सो इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक है तो न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें यू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम लेट्स राइट इट हियर र्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ठीक है एंड ऑफ़ कोर्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रुको ये भी यहां पे लिख देते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ठीक है में वी हैव द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नॉट वी फ्रॉग्स ठीक है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ब्रेन ऑफ़ द फ्रॉग इज फर्दर डिवाइडेड चलो यहां पे देख लेते हैं एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर अलग कलर से बना के दिखाती हूँ ब्रेन जो है बेटा एक मिनट कुछ यहां पे दाग आ गया एक मिनट मी चेंज द कलर है वी गो चलो ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है इनटू फोर ब्रेन प्रोसेंसेफेलॉन ठीक है ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रही हूं प्रोसेंसेफेलॉन फोर ब्रेन है एनसीईआरटी में प्रोसेंसेफेलॉन उसका सिनोनी में आपको आगे काम आएगा ठीक है मिड ब्रेन जिसको हम मेसन सेफिलॉन बोलते हैं एंड हाइन ब्रेन दैट इज रोम्बेन ओके रॉम्बेन फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं फोर ब्रेन में आप देखोगे दर इज प्रेजेंस ऑफ दी ऑल्फैक्टरी लोब्स जिसको हम राइन से भी बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है ऑलफेक्शन सेंस ऑफ ऑलफैक्शन स्मेल में हेल्प करता है प्रेजेंस ऑफ सेरिब्रल हेमिसफेयर दो सेरिब्रल हेमिसफेयर है राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर ठीक है hemispheres ओके okay, cerebral hemispheres ओके एंड diencephalon एंड diencephalon ठीक है दीज आर दार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन ऑल फैक्ट्री लोब्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज राइन मैं लिख नहीं रही हूँ जरूरत नहीं है इसीलिए मैं बोल रही हूँ राइनसेफेलॉन सेरिब्रल हेमिसफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन ठीक है मिड ब्रेन मेसेंसफेलॉन यही प्रेजेंट है उसमें दे आर प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स इसमें ऑप्टिक फाइबर्स द आईज द फाइबर्स ऑफ यू नो द डाइजिंग फ्रॉम और द फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द आई ठीक है हाइंड ब्रेन में दो पार्ट है दिच इज कॉल्ड एज मेटेफेलॉन एंड द मेड्यूलाबलोंगेटा विच इज कॉल्ड एज मायलेंफेलॉन ठीक है टा क्योंकि फ्रॉग में ये साइंटिफिक नेम्स की जरूरत नहीं है अभी ये हम आगे जब हम नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें ये सारे वर्ड्स में लिखूंगी राइन इनसेफेलॉन रोम यू नो मेन सेफिलोन मेटेन सेफिलोन माइल सेफेलॉन डायल से फिलोन टेलन सेफिलोन ठीक है ओके तो ये हो गए उनके ब्रेन का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड देन मेड्यूला ऑबलोंगेटा इट अगेन कंटिन्यूज स्पाइनल कॉर्ड जो स्कल ये तो क्रेनियटा है ना फ्रॉग्स क्रेनिटा दे हैव क्रेनियम क्रेनियम में नीचे एक छोटा सा ओपनिंग है राइट मैगनम उसके थ्रू द वॉय से स्पाइनल कॉर्ड अराइज यू कैन सी इट हियर एस वेल सी आई एम गेल यू इन द कमिंग सो यू कैन सी यर स्पाइनल कॉर्ड ये एन सी आर टी में भी आपका लिखा हुआ है सी हीयर दीड ब्रेन डिवाइडेड इंटू फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन अभी बताया है ना फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल फैक्ट्री लोब्स पेयड से राइट एंड लेफ्ट बताया है ना अनपेड डायनसेफेलॉन क्योंकि एक ही है डायनसेफेलॉन में थैलमस नो हाइपोथैलमिस आता है द मिड ब्रेन आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे फिजियोलॉजी में द मिड ब्रेन कैरेक्टराइज बाई अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स ठीक है eyes. द हाइन ब्रेन कंजिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा मैंने सारा लिखाया भी मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामैन मैगनम द ओपनिंग द मैगनम फोरामैन एक छोटा सा अपर्चर है क्रेनियम में स्कल में उससे मेडलो ऑब्लोंगेटा लीड्स टू द स्पाइनल कॉर्ट ठीक है एंड कंटिन्यूज इन टू स्पाइनल कॉर्ट विच इज इंक्लोज इन दर्टिबल कॉलम जैसे ब्रेन को क्रेनियम ने इंक्लोज किया प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है वैसे स्पाइनल कॉर्ट को वर्टिबल कॉलम ने किया है ठीक है चलो सो दिस इज दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न तो ब्रेन तो हमने देख लिया सी एन एस का पार्ट हैल नर्वस सिस्टम राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमने देखा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में क्या क्या जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इन टू क्रेनियल नर्वस जो नर्व्स ब्रेन से अराइज हो रहा है वो क्रेनियल नर्व्स जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है वो स्पाइनल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स ओके इनकेस ऑफ फ्रॉग्स दे हैव टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस जो क्रेनियम से मतलब ब्रेन से अराइज हो रहा है एंड ये जो टेन पेयर्स ऑफ नर्व है हमारे में डेवलप हो गए ट्वेल्व वी हैव ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पहले तो थर्ड क्रेनियल नर्व्स आपके एंथियर टिका पार्ट अभी शायद क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व नहीं है वरना मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूमॉनिक्स थे याद करने के लिए एनी anyway, वे स्पाइनल नर्व्स भी टेन पेयर्स होता है बेटा ठीक है लेकिन हम कौन से स्पीशी किसमें फ्रॉग में लेकिन हम कौन से फ्रॉग की स्पीशीज की बात कर रहे हैं राना टाइग्रीना उनमें ना नाइन पेयर्स होता है बट ठीक है वो आपके एनसीआर का पार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं ये नॉलेज एक्स्ट्रा क्यों प्रेशर देना है ब्रेन को ठीक है तो टेंशन मत लो मैंने बस बोल दिया अगर किसी को जरूरत है एक्स्ट्रा नॉलेज की तो वो जरूर नोट डाउन कर लेगा ठीक है तो ये हो गया आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हैज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक मैंने आपको ना शुरुआत में ही जब क्लास की शुरुआत हो रही थी तभी मैंने आपको पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथेटिक का डिफरेंस बताया था मैंने बोला था कि पैरासिम्पैथिक जब आप रेस्ट कर रहे हो रिलैक्स्ड हो तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम आ रहा है आपके बॉडी को सिर्फ डाइजेशन कर रहे हो आप पैरासिम्पैथिक के वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं राइट नॉर्मल ब्रीदिंग करो सिंपैथेटिक फास्ट हार्ट बीट डाइजेशन को रोक देना सिंपैथेटिक का काम है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है फियर एंड फाइट मोड सिंपैथेटिक या स्ट्रेस मोड इमरजेंसी में सिंपैथेटिक ये काम आता है सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ठीक है राइट right? सो देर आर टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स बोल दिया राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन द ब्रेन इज इंक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम ये ऑलरेडी हमने ये सारे पार्ट पढ़ लिया है है ना राइट मूविंग ऑन टू नाउ दैट नॉट ओनली नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पी यही नहीं ब्रेन इनका काम सेंसरी ऑर्गन्स में भी आता है नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन्स भी हम पढ़ते हैं तो आपके फ्रॉग्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है थोड़ा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है राइट सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गे फॉर एग्जाम्पल टच सेंसरी पैपीले प्रेजेंट है राइट ये सेंस ऑर्गन आर इनर्वेटेड बाय नर्व्स, नर्व्स इनको इनर्वेट कर रहा है दैट मींस नर्व्स के साथ ये जुड़े हुए हैं तो टच सेंस ब्रेन में आएगा राइट स्मेल ऑडिटरी विजुअल एक्सेट्रा ठीक है सो so, टेस्ट के लिए टेस्ट बाद है स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम में या याल्फैक्ट्री लोब ब्रेन को बताता है स्मेल क्या है उससे वो प्रेटर को ढूंढने में या प्रे को ढूंढने प्रिरेटर से बचने में और प्रे को ढूंढने में हेल्प मिलती है ठीक है विजन आईज ठीक है ऑप्टिक फाइबर uh, से वो जाता है हियरिंग ऑफकोर्स टिम्पैनम है उनके पास राइट right? रिजोनेट करता है वो साउंड वेव्स को राइट right? डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड वेव को कलेक्ट करता है सुनने में हेल्प करता है करेक्ट आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे आर वेरी वेल डेवलप्ड आईज एंड इंटरनल सिंपल आई जैसे हमारा सिंपल आई है वैसा ही है करेक्ट एंड द रेस्ट आर ऑल सेलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स मतलब फिंगर्स में अगर उनका टच सेंसरी पैपिले है द जस्ट एग्रीगेशन ऑफ फ्यू सेल्स कुछ छोटे छोटे पैपुलरी सेल्स है एग्रीगेशन ये टिमपैनम एंड आई वेल डेवलप हमें दिखी रहा है ऑरबिट इन आपने देखा होगा देर वेरी बल्जिंग आईज बड़ी बड़ी बल्जिंग आईज है ठीक है एंड ऑफकोर्स दे आर वेरी सिंपल आइज कंपाउंड एक ही यूनिट है ना हमारी भी देखो सिंपल आई एक ही आई बॉल एक ही आई बॉल कॉक्रोच में कंपाउंड है टू थाउजेंड ऐसे छोटे 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 आई यूनिट्स है कंपाउंड बोलते है आप हाँ नीट में कॉकरोच के बारे में पढ़ोगे जब नीट का हम पढ़ाएंगे एक्सटर्नल ईयर उनमें प्रेजेंट नहीं है इट इज एप दे डू नॉट हैव ईयर है जैसे हमारे पास है ठीक है एंड ओनली टिम्पेनम प्रेजेंट है द दिमब्रेन इज प्रेजेंट जो एक्सटर्नल ईयर तो है नहीं तो जस्ट इंटरनल ईयर को कवर करने के लिए टिम्पेनम प्रेजेंट है हमारे में भी टिम्पेनम है अंदर की तरफ ईयर एक्सटर्नल ईयर इज एबसेंट इन फ्रॉक्स ओनली टिमपैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली द इर इज एन ऑर्गेन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंस इन इक्विलीब्रियम स्टैटिक बैलेंसिंग बॉडी बैलेंसिंग में हमारा भी में काम आता है वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन डिटेल्स इन नर्वस सिस्टम चैप्टर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है ना टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत है क्यों फिर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बताया था ना देखो ये सब हम ना ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं हम रिवाइज काइंड ऑफ ही हो रहा है यहाँ पे है ना सो यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर आपको दिखाने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंजिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस तो सर वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे सो यू कैन सी हियर कि ये ओवॉइड स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है दिस इज ठीक है येलो कलर का इसके ऊपर आपको फैट बॉडीज देख सकते हो आप है ना यू कैन सी द ऑफ फैट बॉडीज बॉडीज ओवर द टेस्टिस इन मेल फीमेल में फैट किडनी के साथ ही एसोसिएटेड है ये फैट बॉडी स्टोर करती है एनर्जी है ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड अदर अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और जब वो हाइबरनेट या एस्टिवेट करते तो इसी फैट बॉडीज से वो एनर्जी टूट टूट के बॉडी के हर एक सेल में जाता है ठीक है ताकि वो जिंदा रहे वो उस सर्वाइव कर सके उस टॉर्मेंट पीरियड को ओके सो नाउ दिस टेस्टिस इफ यू कैन सी हियर एम गो नोट ड्रॉ द स्ट्रक्चर सो सपोज ये टेस्टिस है दूसरे कलर से बनाती हूँ लेट्स इमेजिन दिस इज दिस इज दिस टेस्टिस इज अटैच टू द किडनी ये सपोज किडनी है this is इज द किडनी लेट्स इमेजिन दिस किडनी किडनी ये किडनी के मेल्स में किडनी के ठीक ऊपर वाले पार्ट में एंटीरियर पार्ट में आपको टेस्टिस दिखेगा नाउ दिस टेस्टिस इज अटैच्ड टू द टू द किडनी वाया ए मेजोरकिम एक थिन टिश्यू लेयर है जो इसको अटैच कर रहा है टेस्टिस के साथ किडनी के साथ टेस्टिस को है ना इस तरह से ये अटैच है थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ ओके आई थिंक दिख रहा होगा ये हां जी बिल्कुल दिख रहा है चलो ये हो गया आपका मेजोरकियम ठीक है दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज इट्स अ पेरिटोनियम डबल फोल्डेड ियम सो मेजोरकियम, मेजोरकियम. अब अगर हम किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा देख ले, सो लेर इज वाज़ारेक्टा, दस से बारह वाजारेक्टा इस तरह से किडनी में ओपन हो रहा है फ्रॉम टेस्टिस ठीक है सो दीज आर द वाजा एफरेंशियम सो सॉरी वाफरशियम वास्फरेंशिया कर कह रहा है यह टेस्टिस में क्या बन रहा था स्पर्म सो दे आर कैरिंग ऑल द स्प फ्रॉम द टेस्टिस एंड दे आर कैरिंग दो स्पॉर्म्स इन टू अ कनाल ही एक छोटा सा कनाल है इज द कनाल हियर यहां कैरी करके लेके जा रहा है दिस कनाल हियर इज कॉल्ड एज द बिडर्स कनाल बिडर्स कनाल ध्यान रखना बिडर्स कनाल ये क्वेश्चन एक टाइम पे ना ट्वेंटी सिक्सटीन में शायद तब फ्रॉग ना सिलेबस से हट गया था तभी यह क्वेश्चन आया था बिडर कनाल कैरी इज वॉट है ना तो ये और बार बार आता रहा है तो अब तो फ्रॉक सिलेबस में है तो जरूर आएगा ठीक है बिडस कनाल क्या कैरी कर रहा है इट कैरी स्पर्म्स ओनली ठीक है कैरी स्पर्म्स अब ये स्पर्म्स तो कैरी किया इसने अब यहां से कुछ और कनाल इस तरह से निकल रही है बाहर ये बिडस कनाल को ज्वाइन कर रही है टू अनदर कनाल कौन सा कनाल मैं आपको बताने वाली हूं जस्ट गिव मी time थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा अब भी हो जाएगा जस्ट थोड़े थोड़ी देर और लगेगा बस डन ऑलमोस्ट डन बेटा ठीक है चलो ये जो ग्रीन कलर के आप यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको बंद ही कर देते वी नीड सो मच ठीक है। कनाल से आया स्पर्म्स, नो, ये जो ग्रीन कलर का आपको यहां पे दिख रहा है here, there is presence of nephrons, यहाँ पे nephrons है। ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट ना किडनीज में तो यहां पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है इस नेफ्रॉन से यहां पे यूरिन आएगा राइट सो दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डक्ट्यूल्स, ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स में ये आपको इसीलिए लिख के या डायग्राम बना के दिखा रही हूं क्योंकि क्वेश्चन आता है बट एनसीआरटी में ऐसे डायग्राम पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूं ताकि आपको आंसर करने में हेल्प

स्पॉम्स तो है ये बीट कनाल से प्लस यूरिन यूरिन भी आ गया अब ये यूरिन एंड स्पॉम का मिक्सचर इट कैन गो टू दिस कनाल नाउ सॉरी दिस व्हाट इज दिस ये क्या है ये है आपका लोंगीटूडनल ड्यूल लॉन्गिट्यूडनल डाक ट्यूल लोंगिट्यूडनल आल्सो कैरीज बोथ स्पॉम एस वेल एज यूरिन ठीक है पूरा लिख ही देती हूँ इतनी लेजी तो मैं हूं नहीं मैं पूरा ही दिखूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है प्लस यूरिन है है ना दोनों प्रेजेंट कैन कैरी बोथ अब ये यू, डक्ट्यूल से एंड यूरिन किडनी से बाहर निकल के आया थ्रू यूरेटर और आपको क्या पता है? यूरेटर कहां पे ओपन होता है हमने अभी देखा था क्लो है था ना स्ट्रक्चर में एक्सक्यूटरी सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स मेल्स में मैंने क्या बताया था कि urine ureter is carrying it carries both sperms and urine to cloaca theek hai to cloaca to ye jo structure maine yahan banaya na beta इसी का ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये जो पार्ट है ना इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है देखो आया ना यूरेटर से ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट कैरी करके लेके आया क्या यूरिन एज वेल एज स्पॉम्स तो क्योंकि दोनों कैरी कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग यूरिनो जेनाइटल डक बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक फीमेल्स में ये चीज नहीं है फीमेल्स में दो अलग अलग है दे हैव अ डक्ट एंड अ यूरेटर है ना आप देख लो यहाँ पे दे हैव हाँ यूरेटर एंड हैव अ डक्ट ये डक्ट यहाँ पे डक्ट ऊपर से आ रहा है आके क्लोएका में ओपन हो रहा है ओबीडक्ट ऊपर वही सेम ही ओवीडक्ट से ही है देखा कहाँ पे प्रेजेंट है ये देखो ये ओविडक्ट का जो स्ट्रक्चर है सी कहाँ प्रेजेंट है मैंने बोला था ना फीमेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल फ्रॉग्स में तभी वो एम्पूलेटर या कॉप्यूलेटरी पैड से मेल फ्रॉग यहाँ प्रेस करते हैं उनको स्लिपरी फीमेल्स को पकड़ के यहाँ पे प्रेस करते हैं इस एरिया में ये सपोज ये अगर फ्रॉक का बॉडी है ठीक है ये सपोज फ्रॉक का बॉडी है फीमेल फ्रॉक की बॉडी है लेट्स इमेजिन ठीक है तो फीमेल फ्रॉक की बॉडी है और यहाँ पे प्रेजेंट है वो जहां पे एग्सटो एग होते हैं इस एरिया में They press it ताकि उस से एग हो जाए ठीक the है तो ये मेल्स का हमने स्ट्रक्चर देख लिया एक ही ओपनिंग है फॉर बोथ स्पर्म एज वेल एज द यूरिन यहाँ पे अलग अलग है यूरेटर से अपना यूरिन आ रहा है पे और से और ठीक है एग्सर कमिंग टू द क्लोएका निकलना सब क्लोएका से ही है कॉमन ओपनिंग ठीक है तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है तो एक बार पढ़ लेते हैं वी सॉ जो हमने देखा वही सेम चीज पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिस देख लिया विच आर फाउंड अड्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज द मेजोरकियम आपको मैंने डायग्राम में मेजोरकियम दिखा दिया है तो दिक्कत नहीं होगी समझने में वासा टू इन नंबर क्या होता है वासा एफरेंशिया टेस्टिस से अराइज कर रही है कुछ दस से बारह ऐसे डक्ट्यूल्स वो आपके टेस्टिस से निकल के को टेस्टिस से लेते हुए जाके बिडर्स कनाल में डालता है बिडर्स कनाल कहाँ है किडनी के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने देखा भी थोड़ी देर पहले राइट इज इट लेट्स मूव ऑन हियर सी बीडर्स कनाल वासा एफरेन्शिया बिडर्स कनाल मिले क्या है बिडर्स कनाल कहाँ प्रेजेंट है रेड कलर का स्ट्रक्चर क्या है किडनी ठीक है ओके सो देर in number फ्रॉम द from the दे एंटर द the ऑन द साइड एंड ओपन open into द bidders canal. Bidders canal दे आर लोकेटेड इन किडनी इन किडनी ठीक है

फीमेल की अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट तो है बट कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे स्पर्म किडनी में एंटर कर रहा था बीडर्स कनाल के अंदर है ना वैसा के थ्रू यहां इनके लिए अलग है देखो ये ओवरी है ओवरी है दे विल रिलीज द एग द एग विल गो एंड गेट

फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है पहले ही बता दिया था कि कैसे मेल एंड फीमेल फीमेलिंग राइट उद्देश्य उस टाइम पे फीमेल को स्टीम्यूलिस से एग रिलीज करवाया जाता है वाया द मेल एंड देन द मेल रिलीज हिज स्पॉम्स एंड ये वॉटर में बाहर एक्सटर्नली हो रहा है एंड देन बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट्स का इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन राइट

और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामोरफोसिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामफोसिस एंड ये मेटामोरफोसिस एक हॉर्मोन्स की वजह से होता है दिस इज बिकॉज ऑफ थाइरोड हारमोन्स थरॉयड हॉर्मोन्स अगर थायरॉयड हारमोन्स फ्रॉग में कुछ गड़बड़ है कम है ये नहीं होता है टैडपोल टैडपोल ही रह जाता है साइज में बढ़ता रहता है ऐसा होता है क्योंकि थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की जरूरत है सो so, जो टैटपोल सपोज एक ये एक एक एक्सपेरिमेंट हमने एक्चुअली हमारे कॉलेज में किया था जब मैं डिसर्टेशन कर रही थी अपना तो टैटपोल को हमने ऐसे वाटर बॉडी में रखा जहाँ पे आयोडीन की कमी है आयोडीन सी थारॉयड हार्मोन टी थ्री टेट्रा आयोडीन टेट्रा आयोडो एंड ट्राई आयोडो थाइरोन यही फुल फॉर्म है ना थाइरॉयड दो हार्मोन का टी थ्री एंड टी फोर आयोडीन ही नहीं है तो टेट्रा आयोडो एंड ट्राई आयोडो कैसे बनेगा तो so, क्योंकि आयोडीन की कमी थी तो टैटपोल लॉन्ग टर्म तक टैटपोल रहे इन साइज बट वही टैटपोल का तो टेल वगैरह सब होता है एक्सटर्नल सब था दे नेवर बिकेम अ देवर बीकेम अल्टीमेटली थोड़ी कुछ टाइम के बाद दे कैन डाई बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यू नो आर्टिफिशियल कंडीशन में नेचर में दे कैन सर्वाइव लॉन्गर इफ दे गेट फूड एंड एवरी ठीक है ओके एंड इफ दे आर नॉट प्रिडेक्टेड बाय लार्ज ऑर्गेनिज्म

ठीक है एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा बेनिफिशियल भी है बिकॉज दे इंसेक्ट दैट इंसेक्टिवरस है ना क्रॉप में हम पेस्टिसाइड ना यूज़ करके अगर कुछ फ्रॉग्स हैं जो कुछ कुछ कीट ना कीटों को खा जाती है जिससे हमें कीटनाशक यूज करने की ज़रूरत नहीं है दे डोंट ईट ऑल द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट बट मोस्ट ऑफ देम ठीक है एंड दे कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप दैट्स वाई दे आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्वेजन important link of food chain, food chain, right? So insect को ये खा रहे हैं frog, तो insect का population ज्यादा नहीं बढ़ेगा ताकि हमें कोई problem ना हो है ना and of course they are food web in the ecosystem in some countries the muscular legs are also used as a cuisine as a food maine aapko ye bhi shuruaat mein hi bata diya tha right ekdam jab hum log ne start kiya tha lecture tabhi maine aapko explain kiya tha ना हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया आई नो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया है है ना अगर आप चाहो थोड़ा पॉज करके पानी वानी भी पी लो आराम से क्वेश्चन भी कर लेते हैं ठीक है जो पढ़ा वो समझा कि नहीं वो टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना छोटे छोटे से क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी है एंड दे हैव कम इन योर प्रीवियस नीट एग्जामिनेशन ठीक है पहला क्वेश्चन बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो पूछा गया है कि फ्रॉग्स हार्ट वेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर समाइम सेम विथ अस ऑल्सो हमारा भी है क्योंकि हार्ट का में कोई एक्सटर्नल न्यूरॉन्स ने आके उसे एक्साइट नहीं किया है फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स इलेक्ट्रिसिटी वो खुद इंपल्स जनरेट कर रहा है मायोजेनिक हार्ट है, है ना तो यस yes, ये मायोजेनिक वाला पार्ट तो सही है करेक्ट ऑटो एक्साइटेबल है हाँ बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि उनकी जो साइनस वेनोसस है कर लेकिन बाकी तो एक बार ऑप्शन देख लेते दे हार्ट हाँ, दे बीट से तो नहीं है ना कोल्ड ब्लडेड होने से हार्ट बीट का क्या लेना देना तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते इस ऑप्शन को फ्रॉक डज नॉट है सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं बिल्कुल है कोरुनेरी सर्कुलेशन। कोरुनेरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है कोरोनरी हाँ, अगर हमने ब्लड भी तो एक ऑर्गन है उसको भी तो ब्लड की जरूरत है ना उसे सर्कुलेशन नहीं दिया तो वो काम कैसे करेगा तो तो गलत हो गया ना डज नॉट हैव बिल्कुल है तो सी एंड डी ही करेक्ट है बेटा ये दोनों राइट right है तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया है ना दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पॉम्स इन मेल फ्रॉड ठीक है टेस्टिस से वासा एफरेंशिया वासा एफरेंशिया से बिडस कनाल बिडस कनाल से बिडस कनाल कहाँ पे था किडनी में था तो किडनी के बारे बिडस कनाल देन बिडस कनाल से ट्रांसवर्स देन लॉन्गिट्यूडनल देन यूरिनोजेनाइटल तो देखते हैं टेस्टिस से सीधा बिडस कनाल तो नहीं आ सकता है ना वासफ्रंशिया बीच में है हाँ ये सही है देन किडनी नहीं उनके पास सेमाइनल वेसिकल्स तो नहीं है बिडस कनाल गलत टेस्टिस वासेफ्रेंशिया बिडस कनाल अरे बाबा पहले किडनी आएगा देन बिडस कनाल है ना तो ये भी गलत हो गया टेस्टिस वासेफेंशिया किडनी में एंटर किया देन देनिया एंटर दैर कर रहे हैं, देन उसने कर दिया। तो ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हाइंड लिम्स एंड्स इन हाउ मेनी डिजिट्स बोला था मैंने हाइंड लिम में आपको पांच डिजिट दिखेगी पांच फोर लिम्स में आपको चार डिजिट्स दिखेंगी चार तो फाइव एंड फोर ऑप्शन वन ही करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायग्राम में मैंने बनाया था हाइंड लिम एंड फोर लिम का स्ट्रक्चर ध्यान रखो वो पीडीएस जरूर आप डाउनलोड कर लेना आपको पीडब्ल्यू ऐप में भी मिल जाएगा आपको पता है ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप पीडब्ल्यू ऐप में जाके जब आप बैच में क्लिक करोगे ऊपर पेड एंड फ्री होगा फ्री में क्लिक करना यू विल फाइंड दिस बैच बैच को क्लिक करना ऊपर शॉर्ट्स नोट्स वीडियो सब दिख जाएगा नोट्स में जाओ पीडीएफ में जाओ आपको ये नोट्स मिल जाएगा ठीक है ओके द फेनोमेना इन विच ऑर्गेनिजम्स हाइड एंड टेक शेल्टर इन मॉइस्ट एंड कूल डीप बरोज करेक्ट प्रिवेंट वॉटर लॉस एंड इंटरनल बॉडी डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट हीट आ गया मतलब ये समर स्लीप की बात कर रहे हैं समर स्लीप की बात कर रहे हैं इतना तक पढ़ के क्या समझ में आ रहा था द फेनोमेना इन विच ऑर्गेनिज्म हाइट डेमसेल्फ तो अचानक से कैमोफलाज मिमिक्री की बात नहीं याद आ रही थी लेकिन अचानक से एंड में सेंटेंस कैसे चेंज होगा इसलिए जरूरी है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो ठीक है ऐसे ना छोटी छोटी चीजों में ना माइनस फाइव हो जाता है ना हमें नहीं चाहिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं ना आप इतने मेहनत कर रहे हो ओके तो यस इट इज कॉल्ड एस एस्टिवेशन समर स्लीप हाइबरनेशन क्या है विंटर स्लीप है ठीक है विंटर में एक्सट्रीम कंडीशन में वो डीप बरोस में जाके डोमिन पीरियड हो जाते हैं ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑफकोर्स कुछ भी काम नहीं कर करा आर नॉट ब्रीदिंग और एनीथिंग लेकिन उनके पास स्किन है जो ऑटोमेटिकली सिंपल डिफ्यूजन से ओ टू एंड सी टू का एक्सचेंज कर रहा है डायरेक्ट इन्वामेंट और सेल्स के बीच में तो टेंशन नहीं है ठीक है बाय ब्लड और एन्वायरमेंट के बीच में बकल कैबिटी और लंग्स इन सबके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड है इनके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है सिंपल डिफ्यूजन है नेक्स्ट टेस्टिस इन मेल फ्रॉग अडेयर टू तो द अपर तो पार्ट ऑफ द किडनी बाय Testis कैसे था? हमने डायग्राम में देखा था याद करो mesorcium, mesorcium, double right? बहुत बच्चों ने ये गलत किया था एक बार आया था तो बेटा कनेक्ट थोड़ी कर रहा है बासाफ्रेंशिया तो टेस्टिस से निकल के किडनी में एंटर कर रहा है फिर बिडस कैनल को ज्वाइन कर रहा है पूरे किडनी को एक्सटर्नली किसने अटैच पूरे टेस्टिस को एक्सटर्नली किसने किडनी से अटैच किया हुआ है मैसोर्यम ने ठीक है राइट स्पेशल वीनस कनेक्शन बिट्वीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन ऑफ द बॉडी रिमेंबर दो ऑर्गन के बीच में कनेक्शन है वीनस कनेक्शन है पोर्टल सिस्टम बोलेंगे तो पोर्टल तो करेक्ट है बट कौन सा लिवर आया ना हिपैटो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं है ये दोनों ह्यूमन में प्रेजेंट है राइट right? फ्रॉग में हिपैटिक एंड रीनल आपको दिखेगा क्या होता है हाइपोफाइशियल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल्स में पढ़ेंगे क्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द गिवेन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फ्रॉक्स देखते क्लास रेपटाइज बिल्कुल नहीं वो तो एम्फी बिया को बिलोंग करती है ना एम्फी बिया इज द क्लास राइट फाइलम ठीक है बैटर ये तो गलत हो गया दे आर पोई किलोथम्स हांजी बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो है ना शो कैमोफिलाज बिल्कुल टू एंड थ्री हो गया ठीक है नेक्स्ट अच्योर फीमेल फ्रॉक कैन ले तो बहुत आसान है अभी हमने पढ़ा ढाई हजार से तीन हजार टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एग्स अ फीमेल कैन ले इन अ लाइफ टाइम ठीक है Next, frogs exhibit sexual dimorphism. Now, select the option which justify this particular statement. Male frogs have a copulatory pad on the first digit of forelimb. bilkul. Bilkul correct. Hai. Ye, sexual dimorphism. Se Differentiate kar male or female frog mein externally. Presence of sound producing vocal sac in male frogs, of course. Presence of webbed. हाँ वेब दोनों में है इसमें सेक्सुअल डायमोरफिजम तो नहीं हुआ बहुत मेल एंड फीमेल के फीट में दैट मींस हाइंड लिम में आपको वेब डिजिट्स दिखेंगे हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो सिर्फ वन एंड टू ही करेक्ट है राइट right? सो so, हमने इतने सारे क्वेश्चंस अभी पढ़ लिया होमवर्क आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है होमवर्क सिर्फ एक ही मैं दूंगी क्योंकि ये पहला चैप्टर था छोटा चैप्टर था तो सेल्फ स्टडी एंड कुछ एम आपको पी डब्ल्यू मॉड्यूल्स से मिल जाएगा पी डब्ल्यू के इस मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वो सारे आपको होमवर्क में सॉल्व करना है आपका पूरा एन ये चैप्टर खत्म हो गया फिर है ना आसान सा था राइट आई नो लॉन्ग टाइम है लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है बट ये होगा बेटा क्योंकि आप पूरा चैप्टर खत्म करो एक एन सी का संडे का दिन है आराम से आप कभी भी बैठो ये पूरा वीडियो देखो लाइव देखो आपका आपको बाद में जाके सेल्फ स्टडी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरा एन आपका हो गया नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर नीट पॉइंटर्स एकदम थाउजेंड परसेंट प्रिपरेशन हो गया ठीक है तो यही था आपका आज का ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जिसमें हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड पूरी फ्रॉक की मोफोलॉजी को हमने पढ़ डाला हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए राइट कोई भी डाउट आता है बेटा आप बिल्कुल पीडब्ल्यू ऐप में जाके आप अपने डाउट्स को डाल दीजिए टीचर्स ट्वेंटी फोर आवर्स अवेलेबल है आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे अगले क्लास में भी आप मुझसे डायरेक्ट लाइव चैट में पूछ सकते हैं कि मैम पिछले टॉपिक में ये ये चीज मैम ये टॉपिक समझने आई है तो आप समझा देंगे क्लास के अंत में जो टाइम मेरे पास बचेगा मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अलग-अलग आउट वीडियोस भी ले लूंगी अगर आप चाहो तो ठीक है सो so, थैंक यू वेरी मच बच्चों जल्दी-जल्दी जाओ और जैसे ये पीडीएफ अपलोड हो जाए आप पीडब्ल्यू ऐप से इसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे ठीक है मिलते हैं दूसरे क्लास में बहुत जल्द थैंक यू